वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द एफ़ वाई पॉडकास्ट आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो uh, मेरी हीरो हैं और हीरो जब मैं कहती हूँ इसलिए कि मेरे बहुत ज़्यादा हीरोज़ नहीं हैं बट कुछ ऐसे लोग हैं जैसे नेल्सन मंडेला हैं जो कि गुजर गए हैं और बहुत इस तरह के लोग हैं जो कि मैं इनको हीरो मानती हूँ तो जो आज खातून मेरे साथ हैं वो मुल्तान के आसपास एक विलेज है वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं इनको मैं बहुत साल साल पहले मिली थी जब हम फैशन वीक कर रहे थे और मैंने एक डिज़ाइनर रुजीना मुनीब के साथ कोऑर्डिनेशन की तो मैं उस वक़्त फ़ील कर रही थी कि बहुत ज़रूरी है कि मुख्तारा माई को इस पॉडकास्ट पे बुलाया जाए सो so, ना कैसी हैं आप सोना के है, आपका पहले है। तो बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपका आप, शुक्रिया आपने बुलाया आप मेरे घर <laughs> में रह रही हैं इससे ज्यादा मेरे लिए बड़ी बात नहीं हो सकती और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे लिए वहाँ से अपने हाथों से साग बना के लेके आई और देसी मक्खन जो कि मेरी फेवरेट डिश उनको पता नहीं था और मैंने और अम्मी ने बैठ के अभी तक दो दिन से तो हम वही खा रहे हैं थैंक यू सो मच आपकी बहुत मेहरबानी है अच्छा मुख्तारा के साथ मैंने फिर आई डेंट लूज टच में था हम uh, बातें करते रहते हैं फोन पे भी uh, बीच में भी जब लक स्टाइल अवार्ड्स हुआ था 2018 में जब जैनब का केस हुआ था और पाकिस्तान पूरा हिल गया था उस वक्त हमने एक किस्म की एक्टिविज़म स्टार्ट की थी मे बी मूवमेंट स्टार्ट की थी विच टू मूवमेंट और उस वक़्त मुख्तारा ने मुझे लाख स्टाइल अवॉर्ड के स्टेज पे जॉइन किया और जब किसी ने मुझसे पूछा कि कौन मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड देगा फ़ैशन के लिए तो मैंने कहा मुझे एक तो माह खान बिकॉज वो मेरी मैंटोर थी उनके साथ मैंने काम शुरू किया था और फिर मैंने कहा मुख्तारा माई आएंगी उनके उनके साथ उनसे मुझे अवार्ड चाहिए मुख्तारा याद है आपको वो? जी बिल्कुल याद है मगर हाँ, हाँ, ये आज आज में लाहौर में लाहौर में और और वहाँ सारे एक्टिविस्ट थे जी सब थे अंसार बानी थे मुसरत मिसबा थी वो भी आ चुकी हैं हमारे पॉडकास्ट पे तो मुख्तारा कैसी हैं आप पहले ये अल्लाह का शुक्र है बहुत आप अच्छी लग रही है स्किन अच्छी लग रही है सब माशाल्लाह से वैसी स्माइल करती हुई जैसे मुझे हमेशा याद है हम इस पॉडकास्ट को हमेशा शुरू से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे मकसद ये है कि जो भी हमारे नौजवान लोग हैं नौजवान ना भी हों एक तो उनको इंस्पायर कर सकें कहानियों से और हर एक की कहानी होती है जी बिल्कुल तो और आपकी तो बहुत ही जबरदस्त नॉर्मल कोई भी बंदा है हर एक की अपनी कहानी है नॉर्मल इंसान की भी कहानी जी तो चलें हम शुरू से स्टार्ट करते हैं तो आप कहाँ की रहने वाली हैं जी मैं रहने वाली हूँ ज़िला मुजफ़्फ़रगढ़ तहसील okay. जतोई अच्छा मोजा वाला मतलब एक गांव विलेज मीर वाला विलेज मीर छोटा सा गांव हाँ। जहाँ मैं पैदा हुई हाँ। ना हम लोगों ने लाइट देखी ना सुकोल देखे क्योंकि हम लोग उस टाइम चिमनियाँ होती थी चिमनियों पे गुजारा करते थे चिमनिया क्या होती है चिमनिया मतलब मोमबत्ती की तरह अच्छा चिमनी 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 लाल टैन की तरह लाल टैन से भी छोटी होती है अच्छा अच्छा तो पर उसी गाँव में माशा हंसी खुशी बड़ी उसमें कितने बहन भाई थे? हम लोग छह बहनें थी दो भाई थे एक अच्छा। बहन हो गई थी अच्छा। कैंसर से ओ, उसको दिमाग का कैंसर हुआ अच्छा छोटी उम्र तो, में नहीं अच्छा वो मुझसे तीसरे नंबर पे थी हाँ। और शादीशुदा थी अच्छा और आपका नंबर कहाँ आता है मेरा दूसरा आता है अच्छा बड़े भाई के बाद तो इस आपने स्कूल नहीं अटेंड किया फिर स्कूल क्योंकि हमारे गांव में था ही नहीं तो मुल्तान से तीन घंटे दूर है मुल्तान से तीन घंटे का सफर उस का जमाने में आप बता रही थी मुझे उस जमाने में तीन घंटे लगते थे क्योंकि यहाँ से जाते थे मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ मुजफ्फरगढ़ से आगे खानगा रोहल्ला अली शेर हम लोग ये शहर जो है ना क्रॉस करके फिर जतोई जतोई क्रॉस करके फिर हमारा मीर वाला आता था तो और अब आप अब थी, जो अब है ना जो है है ना ना सी पैक आबादारीफ से हम लोग जब सफर करते हैं तो वहाँ पे हमें डेढ़ घंटा लगता है डेढ़ घंटा में रोडे हैं कच्ची है नहीं ठीक है ठीक हो गई लेकिन पंजाब का, का काफी अच्छा हो गया अच्छी तो नहीं है लेकिन ठीक है ठीक है काफी हद तक बेहतर बिजली आ गई है बिजली दो हजार पांच में ली और रोड 2002 में ली और स्कूल स्कूल भी 2002 में लिया तो बेसिकली सारी जो कहते हैं तरक्की जो हुई है उस तरफ वो पिछले कोई पंद्रह बीस साल में के अंदर अंदर बीस साल एक बीस हाँ, साल के अंदर ठीक है तो अच्छा तो फिर अच्छा बचपन में फिर क्या से टाइम गुजारती होंगी आप नहीं बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था अच्छा क्योंकि ये चीजें देखी नहीं थी हाँ। ये तो आर्टिफिशियल जिंदगी है हाँ। वो ओरिजिनल जिंदगी थी तो सारा दिन काम में और इस तरह से क्योंकि मैं बचपन से क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी बहनों में से अब हाँ। बहनों में से पहला नंबर मेरा ही है तो आपको पता है जब बड़ा बड़ी एक बेटी होती है तो माँ के साथ माँ की दोस्त भी होती है और माँ के बताती साथ हाथ भी बटाती है बच्चों को भी रेज कर बच्चों को भी है। देखती है, है। छोटो बहन हाँ। भाइयों को भी देखना होता है तो इस तरह से मैंने काफी सारा बचपन से काफी छोटी उम्र से काम करना शुरू किया अच्छा मुझे याद है मुझे तंदूर पे रोटी तंदूर पे मैं पूरी नहीं आती थी तो तब से मैं तंदूर पे रोटियाँ लगाती थी अल्लाह तो मगर अच्छी अच्छा बचपन अच्छा अच्छा गुजरा है खुशी हाँ। मैंने कहीं आपका देखा था एक शर्मीन उबै के साथ टेट हाँ। हाँ। उसमें मैंने पढ़ा था कि आप जाके आ, वही आम चुराने हाँ, और वही वो, वो बिल्कुल हम लोग <laughs> हमारे साथ एक सोनी नहर लगती है <laughs> वहां पर नहाना हाँ, और, और दरख्तों पे चढ़ना ये हमारे खेल ज्यादातर और एक लुक चप, लुक चप, मतलब लुकना छुपना हाँ, चुपन छुपाई खेलते थे और काफी सारे ऐसे खेल थे गुल्ली डंडा खेलते थे वो खैर लड़किया लड़कियां इकट्ठे होकर एक दोस्त थी मेरी और उनके साथ खेलती थी फिर आपकी शादी हो गई शादी हुई थी हाँ लेकिन सिर्फ पंद्रह दिन के लिए पंद्रह दिन पंद्रह दिन के लिए क्यों क्या हुआ था उसमें क्योंकि मैं उसी वक्त थी तकरीबन कोई ग्यारह एक साल की जब ग्यारह साल ग्यारह साल की यार। अब आपको पता है ना ये एक कानून बन गया है कि आप नहीं कर सकते लेकिन उसी वक्त मेरी शादी की गई थी वो बंदा काफ़ी उम्र का था अच्छा लेकिन उसमें मैं समझती हूँ मेरा ही कसूर था मैं नहीं समझती शायद तो उसका कोई कसूर था मुझे कोई मारता था, को बच्ची करता का था। क्या कसूर हो सकता नहीं मतलब इस तरह से मैं मैनेज नहीं कर सकी सीधी सी बात है अच्छा ठीक है तो फिर आप घर आ गई मैं घर आ गई लेकिन मेरी अम्मी को पसंद नहीं था घर आना मेरे भाई को भी पसंद नहीं था लेकिन मेरा वालेद मेरे साथ चलो ये अच्छा है एक बंदा तो साथ मगर वो यही होता है ना ज्यादातर तो लोगों को ये आ, होता है कि दूसरे क्या कहेंगे दूसरे क्या समझेंगे हाँ मतलब मेरे मामू वो रिश्ता मेरे मामू ने करवाया था हां तो मेरी अम्मी इस वजह से हाँ। नहीं थी वो कहती थी नहीं मेरे भाई के किया किया हुआ रिश्ता है तो इसको निभाना चाहिए तो ये निभाने वाली बात जो है ना औरतों में लेकिन मेरा वालिद शुरू से मतलब वो सब महल्ले वाले कहते थे ये बेटियों को पता नहीं क्या पलवान बना रहा है सराकी में कहते थे इतना खिलाता इतना खिलाता है तो मेरे वालिद का एक मक भी लोग करते हैं कि आप अपनी बेटियों को खाना खिला, खाना खिला रहे हैं खाना खिला रहे हैं और बहुत ज्यादा मतलब जैसे फ्रूट वगैरह मेरा वालिद की आदत थी लाता था हाँ। और वो लकड़ी का काम करते थे मेरे वाले अभी छोड़ा है मेरे वाल ने अच्छा अभी कोई छह महीने हो गए उसका रिटायर अभी छोड़ा छुड़वाया बड़ी मुश्किल से वो तो, तो काफी उम्र के होंगे मगर अच्छी बात है काम करते करना, हैं माशाल्लाह करते हैं हाँ। तो अभी छः महीने से छुड़वाया वो मेरे साथ ही रह रहे हैं हाँ। तो मेरे अब्बू की एक बात क्लोज है फिर अपने अब्बू से नहीं, मैं हाँ। चाचू से भी क्लोज थी मतलब हाँ। जो मेरे ताया हैं उनसे भी क्लोज थी और सबसे ज्यादा मैं दादी से क्लोज थी मेरी दादी अम्मा बहुत अच्छा नाइस वेरी नाइस nice, nice. तो oh, मुझे बताएं बहन भाइयों में सबसे क्लोज कौन था बहन भाइयों में से ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं जादा मैं सबके साथ क्लोज थी और मेरे साथ जब बड़े हुए तो शायद काफी कम लोग अच्छा और थी दोस्त थी अच्छा दोस्ती मैं बहुत कम रखती हूँ हाँ, थोड़े दे मेरे दोस्त थोड़े हैं लेकिन हाँ, वो अच्छा। हैं जिनके साथ चल जाए जिनके साथ आप कल गई हुई थी जैसे आपने मुझे कहा मैं जा रही हूँ मेरे साथ ग्यारह साल स्कूल में पढ़ाया उस उसने। नहीं आठ साल आठ साल, आठ और, साल। और वो यहाँ से कराची से गई थी कराची से नहीं कराची से नहीं वो हाँ। जुगी वाल की रहने वाली थी तब हाँ। उसकी शादी नहीं हुई थी इधर हाँ। तो शादी होकर आई है ना कराची में और कितने पैसे मिलते थे बड़ा उसने काम किया है मैं भूल नहीं सकती उसका काम अब यही तो है ना अब इससे आप दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं यही तो ये तो पूरी दुनिया में होते हैं इधर नहीं होते, में होते सही है। है। बात है। लेकिन हम लोग हमारा थोड़ा सा को ना भी हो हर एक अपना होता, होता है मैं नहीं समझती लेकिन यहाँ हमारे यहाँ बुरे को बुरा कोई नहीं कहता ये भी सही है बुरे अच्छे हो जाते हैं बुरे अच्छे होते हैं ये ये बहुत बड़ी बात आपने की है कि बुरे जो को बुरा मैंने कोई, तक आपने जो है। देख लिया खुद क्योंकि आपने इंसाफ सीख किया आप खड़ी हुई लेकिन इंसाफ नहीं, नहीं मिला नहीं मिला बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है और मुझकल ये हमारे जो कोर्ट सिस्टम है ये बहुत बुरा है बड़े मुश्किल है कोर्ट सिस्टम पे पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम है अच्छा तो थोड़ी सी अब ये थोड़ी सी ऑब्वियसली डिफिकल्ट बात है और जब आप फील करें कि आपने नहीं करनी तो आप नहीं नहीं, नहीं, कोई कर नहीं, करें नहीं, नहीं नहीं। 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 जब कहीं रुकना होगा मैं कह आप तो पूरी दुनिया में जाके स्पीचेस दे यूएन तक में आपने जाके स्पीच दी हुई है और फे? वो आप मुझे किस्सा सुना रही थी हिलरी क्लिंटन का वो भी बड़े मजे का है वो भी उस पर भी आएंगे तो फिर मुझे बताए फिर आपके साथ जो ज्यादी हुई वो किस उम्र में हुई जाके ये तकरीबन मेरी शादी के दस साल के बाद उसके बाद आपने सोचा नहीं कि मैंने शादी करनी है नहीं दिल नहीं था थक गई थी बहुत ज्यादा अच्छा ओके okay, चले मैं क्योंकि मैं अपना उसी टाइम सिलाई कढ़ाई का काम सीख चुकी थी अच्छा और उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे काम करती थी जो देहात तो गांव में होते हैं चटाइयाँ मोड़ना चिंगेरे बनाना और

आपका बस दिल था कि आप काम करें बस तो, खुश थी मैं अपनी यही तो बड़ी मैं कह रही हूँ बड़ी खुशी तो ज़रा ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है इंसान जरूरी नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे मुल्क में बल्कि बाकी के मुल्कों में भी यही समझा जाता है एक औरत कंप्लीट नहीं होती जब तक उसकी शादी ना हो उसके बच्चे ना हो मैं बड़ी खुश थी यही ना लोग में खुश थी और इसमें 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 लोग जो है ना फिर खड़े होकर कहते देखो इसको एक तो पहले उसको ताने देते हैं <laughs> फिर <laughs> उसको कहते हैं इसकी शादी नहीं शादी उसके लिए नहीं, नहीं। उसके लिए सॉरी इस... फील करते पिटी करते हैं उसे कहते हैं इसको पता नहीं इसमें नुस्ख क्या है जिसमें क्या है हाँ नुस्ख होगा ये भी होगा और फिर कहते हैं कि जी किसी के ना से... काम हो है तो पता नहीं ये है किस वजह से अच्छा मैं आपको एक लालची भी है कानूनी तौर पे एक हाँ, बात बताती हूँ हाँ, जब हम लोग कोर्ट में थे ना हाँ, ये बात मुझे याद आ गई मुझे भूल जाएगी हाँ, बताएं तो ये बात बताना भी चाहती हूँ जब हाँ, कोर्ट में थे तो एक जज साहबान ने मैं नाम ले लूंगी तो सुप्रीम कोर्ट में अच्छा हाँ, तो वो कहता है ये इसके साथ केस मान लेते हैं रे हुआ होगा लेकिन ये शादी थी उससे क्या होता है तलब मैंने कहा कि शादीशुदा औरत के साथ जिसके साथ वे हो हाँ, या कोई ज्यादती हो हाँ, लेकिन इसका मतलब भी उसको इंसाफ नहीं देना क्योंकि हाँ, वो शादीशुदा है वो तलाक याफ्ता है हाँ, या उसको इंसाफ नहीं देना नहीं तलाक याफ्ता तो ऑलरेडी एक किस्म का वो कलंग कहते हैं ना हाथ पर एक वो वो ब्लैक मार्क लग गया है कि जी बह हाँ, रही मैं बह रही बोली मैं उस बात पे बोली मैं बोली क्या बोला आपने मैंने कहा मैंने कहा इसका मतलब है इन दो जो जिनको तलाक हो जाती है उसके साथ कोई रेप होता है हाँ, कोई पंचायत बैठती है तो इन, हाँ, उनको इंसाफ देना ही नहीं है हाँ, हाँ, यानी कि सिर्फ ये तो वो वाली बात है कि जी जो लड़, जिस लड़की ने एक रात ना गुजारी हो किसी के साथ यानी कि शादी के बाद तो वो, वो इनोसेंट है और उसके साथ या किसी बच्चे के साथ हो जाए तो वो गलत पहला सवाल क्या होता है और ये जज ने बोला आप शादी शुदा जी जज ने बोला मेरे सामने बोला ये जहनीत देख रही है आप लोगों की मैंने बड़ा एहतिया एहसन साहब को कहा था क्योंकि मेरे लायर रहे है दो हजार पांच लेकर दो हजार ग्यारह फिर दो हजार उन्नीस तो तब तक इतने साल मेरे साथ साल, में रहे हैं पंद्रह साल फ्री ऑफ कॉस्ट पीपल बिल्कुल एक रुपया नहीं लिया मेरे हीरो हैं अच्छा मैं वो आप बहुत बहुत इज्जत करती माशाल्लाह मैं भी मेरे अच्छे दोस्त हैं मैं बहुत अच्छी तरह उनको भी जानती हूँ बुशरा जी को भी जी। बहुत अच्छे मैं, लोग हैं मैं और, भी जानती हूँ उन्होंने बहुत काम किया है और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आपका और उन्होंने खुद आपका केस लिया जी बिल्कुल खुद ही लिया तो अच्छा अब मुझे नहीं पता कि आपको बात करनी है कि नहीं लेकिन यह है कि इम्पोर्टेंट है मैंने आपसे जब आप आई थी ना तो बातें कर रहे थे मैंने कहा था कि क्योंकि ये आपके साथ बहुत अरसा पहले हुआ था जैसे मेरे बच्चे हैं उनको नहीं मालूम कि आप कौन हैं और आपने किस हिम्मत से काम किया और किस कहते हैं करज जो कहते हैं ना कहाँ से आई आप में हिम्मत और यू नो you know, लोग गोलियों गोलियाँ खा लेते हैं ये कर लेते हैं मलाला है हमारी जिन्होंने गोली खाई एजुकेशन के लिए आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था और ये एक कॉम्प्लिकेटेड ट्राइबल सिस्टम है जिरगा है और ये चीजें चली आ रही हैं, हाँ जो आपने जो मुझे ना, समझाया ना खत्म होने वाली चीज है और अब अभी भी अभी खत्म नहीं होगी नहीं होगी, नहीं होगी। आ, ये भी आप कह रही थी और ये क्यों नहीं खत्म होगी ये इसलिए खत्म नहीं होंगी क्योंकि पंचायत कौन करते हैं और वहाँ थाने और मतलब जो भी सरकारी दफातर है वो किसके अंडर में होते हैं वो, वो होते हैं जो जो लॉर्ड होता है जो सरदार होता है चौधरी होता, होता है जो भी जी होता है एक भाई इधर असम्बली में बैठा है तो दूसरा पूरे गांव को गांव के ऊपर उसकी हुक्मरानी है सबके फैसले वो वो ही कर रहे हैं तो क्योंकि ये कभी नहीं खत्म होगा ये कभी खत्म उसको चाहिए कि वो खड़ा हो और ये चीजें खत्म हो नहीं और उनकी बेगम में सामने नहीं, नहीं आती असल में वो ये चीज वो खत्म कराएंगे तो उसको हैं से कौन करेगा? वडेरा सरदार साहब कौन, कहेगा? से कौन हाँ। कहेगा और वो अपने लोगों को एजुकेट भी इसीलिए नहीं करते कर स्कूल हैं स्कूल नहीं चलने देते क्योंकि कोई पढ़ लिख जाए कोई वो खड़ा हो जाएगा खड़ा हो जाएगा ये लेकिन इसी के खिलाफ लड़ना मेरे लिए क्योंकि मुजफ्फरगढ़ वडेरों का गढ़ है नहीं आपने कैसे किया तो मेरे लिए हाँ। बहुत मुश्किल था लेकिन आपको कैसे उन्होंने मुझे तो मुझे मैं कहती शायद अल्लाह ने मेरे से कोई काम लेना था यही था मैं करती गई करती गई करती गई करती गई शायद हाँ। हाँ। लेकिन काफी सारे लोग मेरे साथ थे ये दो अलग अलग ट्राइब्स थी एक तो मस्तूई ट्राइब है मस्तोई है क्या नाम है? मस्तोई और पिचार और, और आपकी ट्राइब जो है वो क्या है हम लोग गुज्जर में से गुज्जर हैं वैसे हम लोग कहलाते थे, थे ततले ततले क्योंकि मेरा दादा भी गुज्जर था अच्छा और मेरी दादी ततली थी अच्छा बट्टे सट्टे पे शादी हुई थी बट्टे सट्टे पे शादी मेरी नानी और दादी की अच्छा और ये क्या है ये बट्टा सट्टा भी तो बहुत गलत है हाँ, बट्टे सट्टे पे शादी हुई थी तो और ये बट्टे सट्टे की वजह से ही आपके साथ जो कुछ हुआ है वो हुआ सट्टे तो आपके भाई का कोई कसूर था वो बारह साल का यार नहीं बारह साल का साल 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 का का साल का कहते हैं छोटा सा है आप किसी नेट पे उठा के देखें कितनी उसकी उम्र है और वो और जो जिन्होंने उसके साथ रेप किया उन्होंने सजा काटी उसको इंसाफ मिला तीन बंदों ने सजा काटी अच्छा आपके भाई के साथ वो साबित हुआ वो साबित हो गया साबित हो गया इसको साबित करना भी तो बड़ा मुश्किल मुश्किल था बोर्ड बिठाया बाकायदा डॉक्टरों का मुजफ्फरगढ़ में फिर जाके साबित हुआ और उस जमाने में तो रेप पनिश भी नहीं होता था नहीं होता था लेकिन चेंज हुआ रूल फिर जी। बाद में जाके जी, जी, जी तो ऑब्वियसली इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज आपकी जो कहानी है वो पाकिस्तान तक तो रही नहीं वो तो सारी बैलों पे पहुंच गई इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची ऐसी कहानी थी लेकिन उसके साथ ये हुआ और उसको इंसाफ मिला लेकिन जब उसके साथ हुआ और फिर उन्होंने सॉल्व भी कर दिया था मैंने यही पढ़ा था फिर उन्होंने दोबारा पंचायत बिठा दी जी और उन्होंने फिर आपको बुलाया और आपको बिकॉज आप एक आपकी और भी बहनें थी मैं कहूंगी मैं बिल्कुल छह बहनें थी, में थी आप नहीं छह में से एक तो फोर्थ हो चुकी थी पांच बहनें थी और एक शादीशुदा भी थी हाँ जो मुझसे लेकिन आपको मुझसे दूसरे नंबर वाली शादीशुदा भी थी और भी एक छोटी थी बाकी जवान थी सारी जवान थी हाँ। कोई ये नहीं कोई छोटी थी मगर क्योंकि आपकी ग्यारह साल की उम्र में शादी हो चुकी शादी हो चुकी थी मुझे तलाक हो चुकी थी और तलाक हो चुकी थी तो आप बुरी थी देखिए हाँ तो आपको उन्होंने टारगेट किया मुझे हाँ। मेरे अपने लोगों ने नहीं उन्होंने नहीं आपके अपने, नहींदेन और अपने लोगों ने मेरे भाई ने मेरे मामू ने मेरे अपने लोगों ने मुझे कहा क्योंकि भाई के लिए माफी मांगने आप जाएंगे वाय दूसरों को भी भेज सकते थे ना और भी तो मेरी बहनें थी अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो अल्लाह ना करे मगर यह कि आपको आपके खानदान वालों क्योंकि ने मैं उनके घर में बैठी थी भेड़ियों में भेज दिया उन्होंने कहा नहीं, नहीं। यही जाएगी और ये जब आपको उन... और ये चीज देखें हमारे तो वालदैन में भी में, ये चीज होती है ऑफ कोर्स ये हमारी पूरी सोसाइटी में मुख्तारा हमारी पूरी सोसाइटी में क्योंकि उनकी तरबियत नहीं हुई वो भी उसी तरबियत से आए मैं उनका कसूर बाद भी समझती हूँ मैं अपने अपने والدین अपने हाँ। रिश्तेदारों को पहले समझती हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं अपने बड़े भाई से बहुत ज्यादा नाराज थी नाराज हूं भी सही मैं काफी कम उससे बात मर्द जान औरतों के लिए खड़े होते हैं लड़ते हैं नहीं वहां पर कोई भी थोड़ा सा मसला हो तो औरत को आगे कर देती है कोई किसी की जायदाद का मसला है तो वो बहन जाए कुर्बानी दे बेटा शादी करके आया है तो बेटी को वट्टे में दे दो अभी भी चल रहा, है। म, चल रहा है चल रहा है हम यही कह रहे थे मैं और यहाँ लेकिन हम बेटा की शादी कर रहे हैं तो अच्छी बात है उसको कबूल है वैसे वो ही बेटी ने किए हाँ। तो छह महीने बाद भी हाथ चढ़ी है तो जिंदा गाड़ दिया गया है है ऐसे केस भी भी हुए हैं और और चुप रहते ऐसी हुई जिसका एक बेटा भी था उस बिचारी का छोटा सा तकरीबन तीन मंथ का उसका बेटा था वहां से ले आए इस्लामाबाद में बेचारे रह रहे थे वो भी हमारे गाँव के थे मतलब गाँव थोड़ा सा हट के था तहसील जतोई थी उसको ले आए हैं भाई हम लोग राजीनामा करते हैं वो भाग के बेचारी वाले की मोहब्बत और भाई की मोहब्बत में भाग पड़ी उनके साथ रास्ते में आके खड्डा खोद के दोनों बच्चे और बेटी को डाल दी मगर क्यों नहीं इसने पसंद की शादी क्यों की है हाँ, अच्छा मगर अगर लड़का कर रहा है गाँव का तो कोई प्रॉब्लम कोई मसला नहीं चलो दूसरी बहन दे दो उसको बटे सट्टे और सट्टे में और ये पूरा हो जाएगा काम पूरा हो जाएगा इस तरह हो रहा है पाकिस्तान में और अभी भी हो रहा है अभी भी हो रहा है ये नहीं अभी नहीं हो रहा अभी भी हो रहा है अभी भी हो रहा है और लड़ना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है फ्यूडल्स का कि जब तो किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा और कहीं गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा और कहीं दरिंदे को सज़ा नहीं मिलेगी तो ये चलता रहेगा तो ये चलता रहेगा ये आम बात हो चुकी है मेरे लोगों ने इस चीज़ को ऐसे बना लिया जैसे कोई खेल हो ये आपकी ट्राइब के लोग थे जिन्होंने आपको रेप किया था नहीं वो जरा टाइप थे वो ऊंचे थे थोड़े उनकी कॉम ज्यादा थी उनके वोट ज्यादा थे उनके साथ वडेरे थे तो वो आ, क्योंकि उन्हों... हमारा वहां पर गुजरों का एक ही घर था ततले थे जो बाद में इनकारी थे हम लोग भी अपने आप को ततला कहलाते थे तो मेरे नान के ततले थे तो हम लोग भी ततला ही कहलाते थे लेकिन जब उन्होंने इनकार किया ये गुज्जर है हम लोग ततले हैं अच्छा तो फिर वो भी पीछे हट गए लेकिन हाँ। फिर हमें अपनी कौम पे बड़ा वो हुआ मैं गुजारू कहीं भी अब जाते हैं ना हाँ। तो मेरे कोई भी रिश्तेदार जाए तो कहती है हमारा काम है तो

फजूल बात है ये सर और मैं, देखे मैं देखे। मज़े की बात आपको बताऊँ मैं जब भी इन लोगों ने ये कहा ना क्योंकि दो हज़ार दो की बात मैं आपको बता रही हूँ तो जब इन्होंने कहा ये गुज्जर हैं हम लोग ततले हैं तो उसके बाद जनरल परवेज़ मुशरफ साहब ने एक आफ़र दी थी इस्लामाबाद के लिए आपको जी मुझे भी और फिर जो रिश्तेदार सारे जो कहते थे हम लोग ततले हैं तो उन साथ अच्छा। तकरीबन उनका कोई चालीस एक घर बनता था और वहाँ का जो वेलफेयर का डी वीडियो था शायद उसी ते मैं नहीं जानती थी मुझे इनका नाम भी नहीं आता था तो वो आए आके उन्होंने सबसे सैन करवाए और सैन क्या अंगूठे सबसे लगवाए अभी कितने भन, बनते हैं ना

मतलब उसी टाइम मैंने सरेकी में बात की हाँ। तो मैंने कहा मेरे मैं को जरा मुझे ज़रा बता दें हाँ। और मैं अंगूठा ये किस लिए लगाऊँ कहते बीबी -बी, वो आपके सारा खानदान को जो है ना वहाँ मिल रही है कलोनी मतलब हाँ। मुशरफ साहब हाँ। ने उसकी तरफ से जो है न हाँ। एक ऐलान किया गया है हाँ। तो उन्होंने कहा वहाँ पर इस बीबी -बी को ख़तरा है हाँ। तो इनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी इधर शिफ्ट करवाएं इस बीवी को भी इधर शिफ्ट करवाएं तो आपको कोई वहां पर कोठी दे रही है मैंने कहा ये कितने लोग तकरीबन तो मैंने गिना वो चालीस लोग अंगूठे लगे हुए नाम तो नहीं पढ़ सकती थी लेकिन उसी टाइम नहीं पढ़ सकती थी तो खैर अंगूठे मैंने गिने चालीस लोगों के लोग जो कि उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ कोई आपको नहीं के, के लिए। कुछ, कुछ नहीं हुआ बल्कि आपको फेंक दिया भेड़ियों पे तो मैंने कहा मैंने फिर उसको एक जवाब दिया मैंने कहा इनको आप ले जाए ना तो मैं अंगूठा लगाती हूँ ना ही मैं जाने के लिए तैयार हूं इनको ले जाए मैं इधर ही रहूंगी तो तब मेरे ऊपर इन्होंने बड़ा एक किस्म का दबाव डाला मेरे खानदान वालों ने ये हमारे साथ क्या कर ये हमें मरवाना चाहती है ये चाहती है ये पूरा खानदान का खानदान मर जाए उनको actually था कोई, आ, उनको कोई तो था। दे तो धमकियां हाँ। तो दे हाँ। रहे थे तो तो मारते मारते, हाँ। लेकिन मैं उठी थी ना बाकी हाँ। तो कोई नहीं बाकी तो सब उनके साथ खड़े हो जाते थे ठीक है मैं तो आपके साथ ही वो अल्लाह की तरफ से होती चढ़ा होगा ना बहुत गुस्सा क्या हुआ था एक मिनट मुझे सिर्फ बताएं

अम्मी अबू आ जाते थे लेकिन कोई काफी दिन ये मतलब पूरी पूरी रात जागते थे मेरे ऊपर पहरे देते थे और मैंने दो तीन मरतबा कोशिश भी की लेकिन जब नाकाम हुई तो उनकी तरफ से मैंने सुना किसी ने आके बताया गाँव में जैसे होती है औरतें तो आके बताया वो कह रही इसने कोई कानूनी कदम या कुछ उठाया थाने पे गई मतलब उसी ये गई थी क्योंकि वो ले नहीं रहे होंगे हाँ एफ आई आर कटाई थी हाँ आई आर कटाई थी गई थी कितने आदमियों के खिलाफ गई तब थी जब जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना फिर जब उसने आके मुझे बताया ना मैंने कहा बेहतर है ये तो मुझे मरने नहीं दे रहे वो कहते हैं कत्ल कर दे वो तो बेहतर हो मैं थाने पे जाऊँगी ये मुझे कत्ल कर दें जान छूटे अच्छा इसलिए इसलिए गई गई थी थी बाकी मैं मेरा दे जानता है मैं इसलिए गई थी कि मुझे ये पता ही नहीं जिंदगी खत्म मेरी जिंदगी खत्म एक हो तरीके से कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से खत्म हो जाए मैंने तो अक्सर सुना है कि माँ बाप खुद मार देते हैं इस तरह की कोई चीज हो रेप हो पुराने जमाने में मेरी नानी बता नहीं मेरी अम्मी जो है ना अम्मी अपू बहुत साथ बहुत दिया तो नहीं थे उन्होंने तो बिल्कुल वो लड़े नहीं थे क्योंकि ये तो थी क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी एक दो मरतबा हुआ था ऐसा मामला लेकिन वो औरत गई थी उन्होंने अकेदा दुबट्टा पहनाया रिवाज होता है औरत जब चली जाए तो वो मामला खत्म हो जाता है रफे दफे हो जाता है ऐसा तो नहीं होता ऐसा हुआ जैसे हुआ, हुआ ये ऐसा नहीं होता इतना क्या गुस्सा उनको लोगों को चढ़ा हुआ था इस बात लड़का आपको। साल का एक, एक शादी इन्होंने बोला क्यों है इन्होंने किसी को बताया क्यों है किसको बताया था उसने वो मीर वाला पे वो जो मौलवी अब्दुल रजाक था उसको बताया था ना वो आया था ना पहले पहले अच्छा हाँ तो बात क्यों बाहर निकली बात क्यों बाहर इतनी सी बात इतनी सी बात बात इतना कुछ इतना और कितने चौदह लोगों के, खिलाफ है। लोगों के खिलाफ और लोगों ने आपको किया नहीं नहीं फिर नहीं। वो देखा हो चार, थे, खड़े हो चार थे दो पंचायती थे एक वो, वो खड़े होके देखते हैं कि ये मतलब हो सकता है कोई डर के मारे भी ना आ रहा हो ये भी हो सकता है जरूरी नहीं है वो सारे जो है ना इससे ज्यादा लोग थे लोग थे कोई समाज भी हाँ बिल्कुल पंचायत थी ये तो नहीं, नहीं है कोई एक से था है मैं जी तो ये समझ ही नहीं आती कि पूरे गांव को पता है पूरे गांव को और एक जज मानता है और देख भी रहे हैं और सारे हैं सारे, सारे विटनेसेस सब हैं, हैं। सबके सामने पूरा गांव का गांव जानता है नहीं। ये नहीं है एक बंदा जानता है या ये ही चौदह लोग थे ये ही जानते नहीं पूरा गांव यानी कि एक्चुअली सारे विटनेसेस हैं और सारे मेरे ख्याल में सिर्फ विटनेस नहीं होता जो बैठ के खड़े होके देख भी रहा देख था और बर्दाश्त भी रहा कर रहा होता है लेकिन इनके पास असला था अच्छा तो बेसिकली इनके पास गन्स थी तो इन्होंने वो डर डर जो है कायम किया होता है लोगों ने अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश की कोई बंदा नहीं था हम दर्द जो आया आगे माँ बाप ने चलो उन्होंने तो रियलाइज कर लिया बाद में नहीं एक बाप था जो चीख रहा था चिल्ला रहा था

तो अच्छा तो अब फिर पुलिस कहाँ थी इन सब मामला पुलिस तो बस वो बच्चे को लेके चली गई दोबारा पलट के पूछे ही नहीं तो जो एफ आई आर और उसको जब ये सारा कुछ हो गया अच्छा उसके इस... बाद भी मैं आपको बताऊं वही फैज मुस्तो फोन कर रहा है इस लड़के को छोड़ दो फिर भी उन्होंने बारह हजार लेकर पुलिस वालों ने छोड़ा नहीं रिश्वत नहीं मिलेगी पैसे पैसे बारह हजार बारह हजार उसी वक्त हमारे घर पे नहीं था मेरे वालिद ने बछड़ा बेचा बेच के बारह हजार दे, ले के उस अपने बेटे को ले आया। अच्छा, अब एफआईआर कट कटवा ली आपने, वो कैसे कटवाई? एफआईआर तो पूरी रात इन्होंने तंग किया होगा तंग क्या ऐसे खड़ाए रखा लेकिन खड़ने में मेरे पास हिम्मत नहीं थी Because आप अभी वीक होंगे ना इंस, इंसान तो इतने दिनों से मैंने ना कुछ खाया ना पिया ना ऐसे गुस्सा और बिल्कुल गुस्सा नहीं आपके और फिजिकली आपके साथ जो चीज होती है अच्छा उसमें वो जो ऐसा जो था ना वो ऐसे सामने बैठा था और काफी सारे चेहरे पड़ी हुई थी कुछ मर्द बैठे हुए थे मगर ऑफर भी लेकिन नहीं। उसने ऐसे लाइन में खड़ा है जैसे मुजरिम खड़ते हैं और पूरी रात एक एफ आई आर लिख के आए नहीं ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे पूरी रात ऐसा ही होता रहा जब सुबह के चार बजे तो ऐसा ऐसा क्योंकि पहले तो मेरे भाई की धमकियाँ आती रही बड़े मेरे वालिद को क्योंकि मेरा वालिद मेरे साथ था ना तो आखिरी उसकी धमकी आई जो मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना था चाहती बहुत लंबा हो जाएगा तो शायद ये ख़त्म नहीं होगी ये कहानी मैं समझती हूँ तो भाई आखिरी जब मेरे भाई ने बड़े भाई ने धमकी भेजी मेरे वालद को ये नहीं आती तो ना ये नहीं आएगी तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा तो मेरे वालिद ने आप के मुझे सरेकी में कहता है बेटा सरेकी में मतलब अब्बा बेटा बेटा आप देख लें तेरा भाई का ये पैगाम आया है थाने के ऊपर ये जो खुदकुशी वाली धमकी हाँ, है ये भी एक कुछ किस्म का ब्लैकमेल नहीं ब्लैक ना? ब्लैक, ब्लैक मेल है अच्छा मैंने अपने वालिद को जवाब दिया मैंने कहा आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं ना आप चले जाएं अच्छा आप चले जाए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें जो कुछ आप लोगों ने किया ठीक है अब कोई मरे कुछ हो मैं तो जीते जी मर गई हूँ अब कोई और मर जाए मेरे सामने भी लटक जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जब मैंने ये जवाब दिया अपने वालिद को तो मेरा वालिद मेरे साथ करा रहा जब सुबह के चार बजे तो ऐसा ऐसा सब ने जो है ना काफ़ी सारे लोग थे हमारे पास मौलवी रजाक साहब थे और भी थे और ऐसा ऐहिता सब ने निकलना शुरू कर दिया भाई इसको तो मार देंगे इसको ले के जाएगा कौन क्योंकि रात थी वहाँ पर वहाँ पर रात का सफर करना बहुत मुश्किल था और एक मेरी कज़न का शोहर था फुफात कज़न थी तो उसका शोर और उसने मुझे और मेरे भाई छोटे को दोनों थे ना हम लोग थाने पे उसने अपनी एफआईआर के लिए आया हुआ था मैं अपनी एफआईआर के लिए आया हुई थी तो दोनों को उसने उठाया और हम लोग घर पहुंचे जैसे ही घर पहुंचे और अबू के साथ मेरे भाई और मेरे मामू और मेरे कजन वगैरह चिल्लाने लग गए हमारी मजीद बेइज्जती करवा रहे हैं और पहले थोड़ी बेइज्जती हुई है। मैंने आपकी आपकी कहा आपकी बेइज्जती आपकी इज्जत कहाँ थी जो बेइज्जती हुई है सही बात है तुम लोग तो मैंने कहा दल्ले हो दल्ले तो खैर मेरी भी जबान फिर ऐसे करवाट से भरी हुई थी तो खुल गई तो जब मैंने सुबह दूसरे दिन दोबारा मैं आई दिन को तो मेरे वालद ने जाके फिर बेटे के डर के हमारे कहा कहते आइंदा नहीं जाऊँगा इसके साथ लेकिन सुबह हुए हाँ। फिर मैं निकलने लगी तो अबू फिर साथ फिर तो उस वक्त रात के चार बजे वापस आए तो एफ आई आर नहीं बनी मतलब लिख तो ली थी लेकिन वो अपनी मर्जी नहीं। की लिखना चाहते थे हाँ। ना। क्या मेरे तो अंगूठे लगवाते थे वो तो समझ रही हूँ फिर एफ आई आर किसने लिखवाई आपके साथ लेकिन वो ही किसी ने नहीं उन्होंने अपनी मर्जी पे लिखी इस वजह से तो छुटे हैं ना

उन्होंने क्योंकि एक खबरों में काम करता था हाँ। एक जो है ना किसी हाँ। और अखबार में काम करता था हाँ। तो वो आगे थे तो उन्होंने फिर खबर जैसे ही हुई हाँ। दूसरे दिन जो है ना फिर लोगों का आना शुरू हुआ हाँ। तो जब उन्होंने आ के मेरी हौसला अफजाई की शायद अल्लाह हाँ। तो की तरफ से अलग फिर कोई लो, अलग मुझे ऐसे लगा जो अलग लोग हैं वो अलग लोग लेकिन वो ऐसे मुझे देख रहे थे जो मेरे गांव के लोग थे जैसे मैंने कुछ किया हो

अपने मा, उसी मामू की बात भी बताऊंगी तो उन्होंने मुझे पांच लाख का चेक वेक में नहीं देखे थे मुझे हाँ। चेक का मुझे पता नहीं होता था क्या है हाँ। पांच लाख का चेक मुझे दे अभी भी नेट पे देखें तो आपको नजर आएगा अच्छा। वैसे मेरे मुट्ठी में दे मैं ऐसे मैं वो, वो मेरे में दे, मैं ऐसे थे नहीं वो बेगमतिया नैतुल्ला वो दे रहे थे आपको पैसे मैंने भी ऐसे यही सोचा क्योंकि जैसे बच्चों को बच्चा रो रहा होता है तो उसको कहते हैं वाल ये टॉफी पांच रुपए ले हाँ। और जाओ जिंद तो, दो हमारी टॉफी ले आओ आइसक्रीम खा लो चुप कर जाओ कुछ चुप कर जाओ चाहे कुछ भी खा लो चाहे जहरी खा लो हाँ। लेकिन जहां से तल जाओ तो मतलब मुझे ऐसा लगा शायद ये मुझे चुप कराने के लिए पैसे कह रहे हैं चिक 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 तो मैंने कहा मैंने नहीं लेना मैंने इंसाफ लेना है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं जब उन्होंने तीसरी मरतबा मुझे दिया तो मैंने कहा ये पैसे अपने आप अपने चेक अपने चेक पास रखे और वहां पर देना है तो कोई स्कूल ही दे दे हाँ. तो, मतलब मैंने अपनी जिंद छुड़ाने के लिए कहा जो मुझे पैसे नहीं चाहिए थे आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जो कि आपको आपकी डेस्टनी पे लेके कहते हैं ना जो इंसान की किस्मत की तरफ लेके जा रही थी लेकिन की हाँ, की तरफ से होता है इंसान दर्दी वाले लोग आ गए आप, आप जान अपनी खत्म करना चाहती थी लेकिन, लेकिन किसी ले ने तरह, तरह वो अल्लाह आपको उसी तरह बचा भी लिया फिर वो चेक मिला लेकिन वो चेक का आपने कहा कि जी स्कूल की तरफ स्कूल की तरफ जब स्कूल के लिए बनाने के लिए आए उन्होंने आए वो पांच लाख भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया मेरा अकाउंट खुलवाया आया मीर वाला में मेरे और मेरे अकाउंट खुला आगा। और उसमें जब स्कूल के लिए आए भी यहाँ पर कोई सरकारी जमीन नहीं है कोई जमीन कोई डोनेट करेगा तो हम लोग स्कूल बना के देंगे तो उसमें मैंने अपने अब की और उसी मामों से मैंने वो जमीन खरीदी अच्छा दो कनाल मामू से खरीदी दो कनाल अबू से खरीदी अच्छा और मैंने अबू ने भी उनके नाम कर दी और मामू हाँ। ने भी हाँ। जब वो पैसे मुझे मिल रहे हैं बीच में मैं भूल रही हूँ देखें हाँ। वही मामू जो कहता था ये गुज्जर है हम लोग ततले हैं हाँ। जो कहते थे हमारी बेइज्जती हो रही है हाँ। फिर वो वही कह रहा है मेरे मतलब भाई हाँ। को हाँ। तो वही मुजफ्फरगढ़ में खड़े हैं डी सी ऑफिस में खड़े हैं जिसको डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं उसके ऑफिस में हाँ, तो वहीं पर खड़े तो उसी वक्त एक रिश्तेदार भी साथ था उसने हाँ, आके मुझे बताया तो कहते वो की में भन्नी माँ बा हमेशा गल को होती है हाँ, कहते है ये कुछ हो चुका है तो अब इस, इसका इसका रिश्ता कहाँ करेंगे इसका रिश्ता मैं अपने बेटे के लिए लेता अरे वाह चल लो जी तो जैसे ही उसने कहा मैंने कहा इसको घर तो जाने दे मैं इनसे जरा पूछती हूँ तो उसी टाइम सिक्योरिटी के लिए उन्होंने दिया हुआ था कोई वो वो भी कौम का गुजर ही था कोई जो चौकी इंचार्ज था पुलिस का इंचार्ज हाँ। तो भी का जरा कहें वो आके डेली आके बैठ जाए के वो बीबी आप इधर इसके बेटे के साथ रिश्ता कर ले मैंने कहा पहले मुझे दस साल लोगे हुए उस वक्त तलाक लेकर उसी वक्त तो भनी वहां गल को नहीं लगे वही मामू मैंने कहा उसी वक्त तो इसको याद नहीं आए थे लेकिन अब इसको बड़ा याद आ रहा है मैंने कहा ना तो मैं शादी शादी मैं करूँगी लेकिन इरादा वैसे दिल से नहीं था मेरा हाँ। शादी अब करूंगी हाँ। ना तो वाल वालदा के रिश्तेदारों में करूंगी हाँ। ना ही वालद के रिश्तेदारों में करूँगी हाँ। मर्जी से करूंगी मैं कहीं बहरी करूँगी सीधी सी बातें करूंगी अब तो वो हो गई ना आप में वो थोड़ी हिम्मत आ गई आप एक एक और एक और ही मेरे बन्दी भाई बन्दी। ने मुझे बड़ी टेंशन दी बड़ा मुझे गालियाँ निकालता था और मतलब सिर्फ मारता नहीं था मगर अब्यूज़ जो होती है वो जरूरी नहीं है कि वो मार पीट से हो बहुत सारे लोगों को नहीं पता ही बहुत, बहुत ज्यादा दिमाग की टेंशन वो ही ना उसने ऐसे इमोशनल अब्यूज कहते हैं जो अभी तक भी मैं शायद सोचती हूँ तो शायद मैं बिल्कुल समझती हूँ आपकी बात मैं गुजर चुकी हूँ इस बात मैं नहीं वो उसकी बात बयान नहीं कर सकती इस तरह से गालियाँ देता था मेरा भाई तो खैर अब तो कई बार थोड़ी सी बात करती हूँ अम्मी आगे से हाथ जोड़ लेती है कहते कोई नहीं इसको वो ना दिया करें तो खैर मैं कहती हूँ ये आपका बड़ा बड़ा बेटा है ना आपको बहुत बहुत अजीज़ है फिर ये सारी तरबियत बहुत ख़राब है

आ, का था ये इंटरनेशनल बिल्कुल, बिल्कुल। पहुंच गया, गया। हाँ। तो सब सबसे सब ज्यादा दिया आपका बहुत सारे लोग थे उसी वक्त क्यूकी मैं नहीं जानती थी सीधी से किसी को नहीं जानते नहीं जानती नहीं लेकिन थे सारे लोग थे लेकिन बाद में निकलिस किस्टोव क्रिस्टोफ हाँ, हाँ, आपकी New York बड़ी प्यारी कहानी है वो वो आपको लेके जाते जाते हैं हैं पे हाँ, पे, भी पे।, पे भी जाते हैं। पर भी पर तकरीबन चार मरतबा आ चुका है आपके पास फोर मरतबा मीर वाला अच्छा। और मैं भी जब भी गई हूँ तो हाँ। वो पूछता था बड़ा अजीज और वो रिश्ता कौन सा है तो मैं उसको बताती थी बहन भाई का रिश्ता बड़ा एक वो लेकिन मैं अपने भाई से नहीं उम्मीद तो ना मैंने वो उम्मीद रखी है लेकिन शुक्र अल्लाह का मैंने जो मुंह बोले भाई बनाए ना वो मेरे साथ बहुत चल रहे हैं और चले है तीन चार हैं मेरे ऐसे भाई मुंह बोले नहीं तो अच्छा अभी तो सिर्फ पांच लाख में तो जमीन खरीदी मैं वापस आ रही हूँ वह बिल्कुल पांच लाख में जमीन खरीदी बाकी दो दो कमरे जो है ना आके हुकूमत ने वहाँ पर बनवा दिए दो कमरे गर्ल्स के दो कमरे बॉयज के अच्छा लेकिन उसमें टीचर्स नहीं है पढ़ाने वाले ना बॉयज में न गर्ल्स में सही है तो मेरी ये दोस्त जो जिसके साथ में कल गई हुई हाँ। थी मिलने क्या नाम है? नाम है उनका शानज़ा ओके शानज़ा हाँ। शाह शाह लेकिन बहुत ही प्यारी और उसी वक्त वहाँ पर पढ़ी लिखी यही मिली हमें कोई और लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी तो रहने डर दर डर नहीं रही थी ऐसी जगह पे आते हुए लेकिन शुरू शुरू में डरी अक... अभी भी डर डर पोक है वो लेकिन बाद में अच्छी 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 और फिर इतना कुछ आपके साथ हाँ, हो गया नहीं बाद में अच्छी हो गई वो सिर्फ ये माँ बेटियां थी क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था तो लेकिन वैसे इसको मैं कहती हूँ पंद्रह से कुछ नहीं होता लेकिन वो पंद्रह सौ भी मैं कैसे दे रही हूँ एक कुछ पैसे तो थे मेरे पास लेकिन उसके बाद तकरीबन एक साल की सैलरी उसकी इकट्ठी होगी तो कहती है सैलरी बाजी मैं तो देखे मैं तो इसलिए करती हूँ जो हम माँ बेटी अपना खर्चा कर सके तो वो मुझे बाजी बोलती थी तो मैं मैंने कहा यार मैं क्या करूँ और मेरे पास बालियाँ थी छोटी सी और मैंने दूसरे दिन जाके वो तुड़वाई तुलवा के आके वापस उसको पैसे दे के थे कल तक तो बाजी तेरे आपके पास नहीं थे मतलब तो आज कहाँ से लाई मैंने कहा आप मतलब मैं आप आप तो पास और, कोई चारिटीज और नहीं उस... बिल्कुल उसी वक्त नहीं थी उस वक्त उसी वक्त शुरू एक साल गुजरा है कितना साल ये तकरीबन पहले साल की बात है ये दो हजार दो की बात है ठीक है फिर 2003, फिर मैंने 2003 में क्या किया जो मैं सिलाई कढ़ाई करती थी तो सिलाई की तरफ दुबारा okay. मैं दोबारा चली गई क्योंकि इसलिए मैं कहती थी मैं पचास रुपया भी सौ रुपया भी डेली कमा लेती हूँ hmm. तो मैं पचास रुपया रखती थी टीचर की सैलरी के लिए wow. और पचास की मैं उस बच्चों की बॉक्स के लिए रखती थी बच्चे खुश थे बच्चे मतलब उसी वक्त तकरीबन चार थे चार में हाँ. से एक मैं थी फोर बच्चे तो आपने लिखना पढ़ना सीखा सीखा बिल्कुल करने है उस से। बिचारी ने मुझे सिखाए और मतलब आ, सारे वो जो लफ्ज होते उनकी पहचान ए बी सी इस तरह से शुरू करवाया लेकिन फिर ये हुआ फिर दो क्लासें हो गई अच्छा स्कूल दो थे उधर एक बॉयज में एक लड़का इन्होंने दिया हुआ था हुकूमत ने पढ़ाने के पढ़ाने के लिए लेकिन लड़कियों के स्कूल में नहीं दिया अच्छा तो फिर दो क्लासें हो गई ऐसा ऐसा घरों में जाते थे लोग ईंटे मारते थे ये कंजर खाना खोल रही हैं ये क्या कर रही हैं ऐसी बातें भी होती थी ऑफ कोर्स और ईंटे उठा के पीछे भी भागते थे तो शानजोर में होते थे जाते थे और बड़ा साथ साथ ये भी हिम्मत है आप वहाँ रह गई रह गई तो जब मतलब 2005 में ये आ, हाई कोर्ट का दिल नहीं चाहा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ इस्लामाबाद कराची दिल करता था लेकिन एक मकसद बीच में आया आ गया स्कूल आ, का स्कूल और का, पढ़ाई पढ़ाई और समझ आ गई तो समझ आ गई जब तो मैं यहाँ से चली गई तो शायद ये, ये, कभी मकसद चेंज नहीं होगा ये नहीं होगा कोई और बच्ची होगी जिसके साथ ही होगा ये होगा क्योंकि बार बार क्योंकि उसी वक्त मुझे यहाँ तक पता चला मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया वो वापस नहीं आएगा चाहे कुछ भी करूं लेकिन आने वाली के लिए कुछ करना है का तो तो काफी सारी मेरे पास सात सौ बच्चे जो है बच्चियां जो है ना पढ़ती थी सात सौ बच्चे दो हजार बीस तक और तकरीबन मेरे बारह बैच जो है ना वो मैट्रिक करके गए और लड़कियाँ नर्सिंग में गई हैं लड़कियाँ पुलिस में गई हैं अब वो लड़कियाँ सब इंस्पेक्टर हैं और उसके अलावा एक बच्ची पैलेट भी बनी है तो इस तरह से काफ़ी सारी बच्चियाँ जो है ना गई हैं लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं बनी कोई चले। <laughs> और वो स्कूल का नाम क्या था मुख्तार मई हाई सेकेंडरी स्कूल पे था मुख्तार मई प्राइमरी स्कूल फिर हाँ. हम लोगों ने मिडिल उसको किया हाँ, फिर उसको हाई किया अच्छा, फिर 2005 में पहली डोनेशन सबसे पहली डोनेशन जो थी ना स्कूल की वो कनेडियन हाई कमिश्नर मारगरे हाँ, अभी तक मेरे पास उसकी तस्वीर और उसके सारा कुछ महफूज है अच्छी तो और दिया, सब हाँ, जी हाँ, सबसे पहले मार्ग रेड दो हजार पाँच में दिया आपको। और तीन मार्च को ये मेरा फैसला आया था जब इन लोगों को बरी किया गया अच्छा वो भी दो हजार पाँच में दो हजार पाँच में अच्छा, और दो हजार पाँच तीन मार्च को ये फैसला हुआ जब वो, उन्होंने फिर थोड़ी सी वो की, की। फिर एक अखबार था उन्होंने बड़ा तंग किया कौन सा अखबार पता चल जाएगा हाँ, कोई नहीं <laughs> वो बड़ा उर्दू या अंग्रेजी उर्दू उर्दू अंग्रेजी नहीं उर्दू ने सब चले गए जब हाँ। पूरा मीडिया मुल्तान से आता था मुल्तान हाँ। से आया बहर के आए हाँ। सारे जब कनेडियन हाई कमिश्नर भी चली गई सब हाँ, लोग चले गए हाँ, और एसपीओ के साथ हम लोग उनके साथ मिल हाँ, के काम करना था उन्होंने कहा इनको तंजीम भी तंजीम भी उसी दौरान बनी हाँ। और उन्होंने ही साथ मिलके बनवाया फाउंडेशन फाउंडेशन मतलब उसको रिटेशन हाँ, उनका आएन, ये ये किसने किया आपके ये लिए एसपीओ में मुस्तफा बलोच साहब थे उन्होंने और सीडा थी अच्छा डॉक्टर ना मुझे नहीं आ कोई बात लेकिन, नहीं लेकिन सबने तो सब मिल के मतलब ने, 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 स्कूल को भी अपडेट करवाए तो इनको सिखाए तंजीम होती है मुझे तंजीम का पता ही नहीं था तंजीम क्या करती बच्चों के लिए तो बहुत नहीं, उस वक्त छे सो नहीं थे ऐसा ऐसा मतलब जब मैं अमेरिका गई 2005 में इधर कैद काट के गई क्या क्यों हाँ मुझे हाउस हाउस अरेस्ट हाउस अरेस्ट किया मुझ मैंने पढ़ा था कि आप बड़ा थ्रेट दिया गया था ईसीएल में ईसीएल में नाम डाल दिया नाम डाल दिया और तकरीबन बारह दिन मुझे वहाँ पर बंद रखा मीर वाला में और फोन के कनेक्शन काट दिए बिकॉज़ इनको सबसे ज्यादा डर लगता है कि जब इन, जब ऐसी कोई खबर बाहर जाती है अच्छा फिर तो वहां से ले होता है मुल्का वहां से ले, ले आए मुझे लाहौर अच्छा बारह दिन के बाद जब लाहौर में आए तो आगे खैर दो तीन हस्तियां बैठी थी गवर्नर हाउस में वहां पर आए तो मेरे पास एक हल्का सा मोबाइल था वो नोकिया पता नहीं क्या तेतीस कहते थे पता नहीं क्या कहते थे वो वाला वो था तो पीछे से सब आसमान जहांगीर साहबा फरजाना बारी साहबा मतलब काफ़ी सारे लोग पीछे से रबते में भी थे हाँ। नदीम सईद बीबीसी हाँ। में होते थे वो मेरे भाई थे डान हाँ। में भी होते थे बीबीसी में दोनों में काम करते हाँ। थे वो मेरे भाइयों की तरह हैं ठीक है तो वो सबको ख़तरा था अभी कुछ हो ना जाए कुछ कर ना दे इतना हाँ। जो हुआ हाँ। हुआ है तो जब हम लोग लाहौर में पहुंचे तो उनकी काल आई तो मैंने उनकी कॉल अटेंड की मैंने उसको सारा बताया मैंने कहा इस तरह से ले गए हैं आप गवर्नर हाउस में इन्होंने खाना भी खिलाया है ये ये तीन बंदियाँ आई हुई हैं यहाँ पर तो अब कहते हैं हम लोग इस्लामाबाद जाएंगे तो जैसे ही उनको आया गुस्सा उसने गुस्से से मेरा मोबाइल छीना और उठा के छुपा दिया हमारे पास कोई रब तो आपने बताया क्यों है उसको ये बंदा कौन था को नदीम साहब ना मैंने नदीम भाई को बताया हाँ, नदीम साहब को नदीम साहब को बताया, को बताया।, को बताया। हाँ। तो उसने आगे वो सब उसने बताना होता सारी जो आपकी आर्मी थी हाँ, आर्मी <laughs> मेरी आर्मी छोटी सी आर्मी <laughs> अच्छे इंसानों की हाँ, तो वो आगे उन्होंने पहुंचानी होती थी हाँ। लेकिन फिर ये इस्लामाबाद ले गए और कभी डांटे मतलब प्रेशर है ना ये औरतें थी आपको जिनशो ले जाएंगी आपको मार देंगी आपके वालदे नजर नहीं आएंगे मतलब कभी डांटते थे कभी हाँ। फिर मिन्ते करने को आ जाते थे हाँ। जब हम लोग मोटर वे पे जा रहे थे बड़ी मजे की बात आपको ये मैंने हाँ। कभी किसी को नहीं बताया बताएं। मैं आपको बता रही हूँ हाँ। तो जब मोटर वे पे जा रहे थे तो एक जगह पे के वाशरूम वगेरा के लिए मतलब आगे मोटर वे पे आगे गए पुलिस पीछे पुलिस है मतलब गाड़ियां हैं सारी इतनी और बगैर सिविल में हैं और ऐसे यूनिफॉर्म में हैं लोग, लोग के जैसे दहशत गर्द जा रहा फिर इस तरह से लेके अच्छा, जा रहा छोरी से एक औरत है गांव की वहाँ पर जब उतरे वॉशरूम के लिए तो मैंने कहा बाजी मुझे ना मोबाइल दे दे मैंने अम्मी से बात करनी है hmm. अच्छा उसने मुझे दे दिया दे दिया दूसरी के पास था उसने मुझे दिया hmm. जैसे ही उसने दिया मैंने तो ऑफ करके उसको लुक छुपा ही दिया मैंने बात ही नहीं की अम्मी से बात ही नहीं की वो मैंने छुपा दिया अब उनको पता नहीं है उनको भूल गया अब नंबर हमारे पास है या इनके पास है अच्छा मजी की बात यह हुई रात को इन्होंने मतलब एक जगह पे जहा रखा हमें वहां पर इनसे गलती खुद ब खुद होती रही ये अलग करवाता है इंसान से अच्छा इन्होंने वहाँ के जो थे मतलब डीपीओ साहब हाँ। उनको कहा जो रेंजर्स रेंजर्स हाँ। भेजनी है तो इस घर पे साथ कोई था एक मेरे दोस्त थी वो अच्छा, हो गई अच्छा, इस, वो और मैं थे तो अच्छा, दो बंदे दो दो औरतें बस दो औरतें और आपको ये

मतलब सिविलियन कपड़ों कपड़ों में, भे में, में भेज हाँ। और उसने यूनिफार्म में भेज दिया अच्छा वो उस बेचारे को मअल भी कर दिया था लेकिन वो पूरे मोहल्ले को पहले पता थी जहाँ पर मुख्तारा मैार ये मुख्तारा मैार ये मुखारा मैार ये है वो बड़ा मशहूर हो गया वहाँ पर हाँ। जब रात को हम लोग गए मतलब ऐसे दरवाज़ा था जैसे ये दरवाज़ा है तो दरवाजे के आगे भी दो गार्ड और पूरी उस घर को घेरा हुआ, हुआ है ने खैर रात गुजारी रात को हम लोगों ने मोबाइल खोला हाँ। और एक ही बंदे को कॉल की हाँ। और उसने सबको बता दिया हाँ। उनमें से ये पांच छह बंदे थे इनमें हाँ। से एक को बताना होता हाँ। था हाँ। नंबर याद नंबर वो मोबाइल में था ना मोबाइल तो आ गया ना वापस मोबाइल वही आपका वापिस कर वही कर दे और वो चार्ज वो भी हुआ हुआ था चार्ज रात को करते थे वॉशरूम में जाकर <laughs> फिर बात भी भी वॉशरूम में में की जाती थी क्योंकि में तो पुलिस वाला था वो वो वाले लोग खड़े होते थे वो घर मुझे हमें बता रही है नहीं और सुबह जैसे ही अखबार है ना जैसे जैसे इन्होंने किया सारी बातें अखबार में वो चीज ये किसने बताया ये किसने बताया ये किसने बताया ऐसे चिल्ला रही है मैंने कहा मैडम हमें क्या पता आपको पता होगा Hmm. तो मुख्तारा भाई यहाँ पर रह रही है मुखारा भाई के साथ ये हुआ मुख्तारा भाई के साथ ये हुआ इस तरह से खैर फिर शौकत बीच में पड़े। प्राइम जी hmm. Hmm. फिर बड़ी पहले दिन उसने काल पे मतलब hmm. फोन पे जब ये थक गई hmm. बड़ा इन्होंने बड़ा डराया धमकाया मैंने hmm. कहा कुछ भी कर लो hmm. कहते मेरे कहा ना जाये मैं इनका क्यों ना जाऊँ जाऊंगी मैं आजाद शहरी हूँ hmm. ना मेरी hmm. अपनी मर्जी मैं, hmm. yeah. मैं क्यों ना क्या आप... क्या आप आप तो कर तो अच्छा, बंद करवा आपको अमेरिका नहीं जाने दे रहे थे तीन दिन के लिए वो गए थे तीन दिन के बाद जाके मैं बैठ गई थी वहा इस्लामाबाद में तो कश्माला तारे उसी टाइम जी उसने बड़ा था उनके हेल्प किया था, था, किया चलो था। चलो दो इसको हाँ उसने हेल्प हाँ। किया था तो दोबारा उनको जो है ना वो कोई एक ला होता है उस ला के तहत दोबारा बंद कर दिया गया था सबको तो फिर उसके बाद चली गई आप अमेरिका नहीं नहीं गई नहीं गई थी उसी टाइम नहीं गई थी फिर उसी टाइम ये अन्ना वाले बुला रहे थे अन्ना तंजीम जो है ना ये बुला रहे थे इनकी एक कॉन्फ्रेंस थी हाँ। उसी में वो बंदी खुद चली गई थी अच्छा। मेरा पासपोर्ट भी ले लिया लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ ये मुझे एम्बेसी कहे जाए कभी कहे उस मेरे दोस्त को भेजें कभी कहे मुझे भेजें बड़ा थ्रेट कर करके इस तरह से तो जब शौकत अजीज साहब पड़े तो कहते हैं आप मेरी बेटी है मैंने कहा बेटी होती तो आप मुझे इतना जलील ना करवाते आप मुझे वही मीर वाला पे कॉल कर देते हाँ। बेटा आपने नहीं जाना तो ये कितने दिन ये सारा कुछ बारा दिन वहां पर बंद रखा दिन इधर रहे तो मैंने कहा आप मुझे कॉल कर हाँ। देते कहते जो मैं आपकी बेटी हाँ। होती तो मुझे हाँ। कहते बेटा आपने नहीं जाना हाँ। सही है तो किसी चार बंदों को पता भी ना चलता पूरी दुनिया में ये शोर भी ना होता अब और भी खामोशी से चुप करके बैठ जाती लेकिन जिद में मैं नहीं रुकूंगी तो नहीं आप मेरी बेटी है मैंने कहा नहीं मैं आपकी बेटी नहीं हूँ मैं उस गुलाम फरीद की बेटी हूँ <laughs> किसी की बेटी तो नहीं तो ये क्यों करते हैं हैं एकदम तो, से वो है है रिश्ते जोड़ देते जब जरूरत है। जरूरत पड़ती पड़ती तो बड़ा इसमें वो हुआ बहुत ज्यादा मतलब होता है फिर इन्होंने कहा पासपोर्ट ले आए फिर अम्बेसी वालों को कॉल किया अमेरिका अम्बेसी वालों को तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग खुद आएंगे माई को ले जाएंगे और आप आप लोगों की गाड़ी नहीं आ सकती आप में से साथ भी कोई नहीं आ सकता फिर वो आए बेचारी उन्होंने मुझे एक शल्टर रूम था उधर से तो निकाल लिया था फिर हाँ। एक शल्टर रूम में जा इन्होंने हमें रखा। रखा इस्लामाबाद में तो वहाँ पर थे फिर वो नसीम बेचारी को बिठाया वो जो मेरी दोस्त बेचारी थी अल्लाह तला उसको हाँ। जन्त जगा दे उसको बिठाया उसके लिए भी ये भाग ना जाए वो वो बेचारी रोए उसको पीछे से डांटे सही इतनी देर लगा लिए आगे मैं गई खैर अम्बैसी गई आसमान जहांगीर साहबा पहुंची हुई है फरजाना बारी साहबा पहुंची हुई है और पहले पहले उन्होंने एम्बेसी वालों ने मेरे आगे फ़ोन रखा जिसको कॉल करनी है करें तो खैर मैंने एक दो जगह पे कॉल की अपनी अम्मी से बात की तो ये मुझे कहें आप कहें हमारे मेरी माँ बीमार है लेकिन एक दफ़ा मेरे मुँह से निकल भी गया मैंने कहा मेरी माँ बीमार है लेकिन जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तब जो है ना फिर तो मुझे थोड़ा सा मौका मिला क्योंकि इन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों ने की हकुमत वालों ने अच्छा को उनको शोर पूरी दुनिया में शोर पड़ गया था ना मुख्तारा मई को कैद किया हुआ है मुख्तारा मई को कैद किया हुआ है कस्टिना रोका ने जो बयान दे दिया था उसी टाइम कस्टीना रोका थी उसने कहा इसको आजाद करते हैं ठीक नहीं तो हम लोग कोई बड़ा कदम उठाएंगे तो ये आपस में इनकी हो रही थी उसी वक्त मैं नहीं जानती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे क्या सुने तो सही मजे हाँ। की बात है हाँ। तो फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रात को हम लोगों ने कॉल कर दी हाँ। इस जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आसमा जहांगीर साहबा को बताया हाँ। उसने जिन मीडिया को नहीं बुलाना था उसने बुला लिया सही है फिर वो इधर दो बंदियां आए किधर बैठी किधर बैठी मैं बीच में बैठी हूँ और रोल कंट्रोल, करने, कंट्रोल के करने, के, करने के लिए हाँ। पहले वो बड़ी जो थी वजीर कानून औरतों की वजीर थी उसने तकरीर की और बयान किया मुख्तारा में एक हम लोग ने बुलाया था शेल्टर होम देने के लिए ये चार करोड़ पता नहीं कितने का इतने का शेल्टर होम का बजट ये हम लोग इसलिए जू दे रहे हैं हाँ, हाँ जूठ सब हाँ। उसी टाइम सारा बना लिया गया था तो कोई हम लोग ने हौस रेस्ट नहीं किया ये इनकी सिक्योरिटी थी सिक्योरिटी के कोई इसको ख़तरा था ये खुद ही कहती है मुझे ख़तरा है तो फिर वो कैमरे वाला नीचे से ऐसे टेबल थी ना वो नीचे से मैग निकाल के ऐसे मेरी टांगों से निकल आया <laughs> फिर तो कहते हाँ बीबी -बी, आप क्या कहेंगे क्योंकि इधर उधर से कहीं से वो टाइम नहीं, नहीं, नहीं दे रहे नहीं दे रहे तो वो नीचे टेबल अच्छा, के नीचे से पहुंच गया टेबल के नीचे फिर वो फरजाना बारी साहब उधर जाए मुझे बुलाए मैं जाने लगू तो मुझे उठने ना दे वो सारा मीडिया कवर कर रहा था तो उधर फरजाना बारी को भी आसमां जहांगीर दूसरे कोने में सेवा आसमा जहाँगीर सेवा खड़ी थी वो मुझे बुलाए मैं उठने लगूँ तो मुझे उठने ना दे बैठे इनको नहीं मिलना क्या बोला आपने? वो सारा कुछ कवर होता गया मतलब कैमरे की आँख के अंदर हाँ। तो जब वो मैं कुछ ने निकाला कहते है आप भी, भी आप क्या कहती है मैंने कहा क्या वॉशरूम में भी मुझे खतरा होता है हाँ, पिछले बारह दिन से हाँ, मुझे कैद किया हुआ है मुझे कहते हैं अमेरिका ना जाओ तो हाँ, अब ये कहते हैं बजट देना है हाँ, तो ये पहले मुझे उधर बता देते इधर क्यों ले आए थे मुझे इसलिए हाँ।, हाँ बारा दिन मुझे वहां पर क्यों बंद रखा साठ बंदा तैनात था मेरे घर के ऊपर फिर तो ये खबर निकल गई तो, निकल तो ये खबर निकल गई फिर तो बीबीसी में चला एक दफा फिर खामोश मुख्तार मई ने खामोशी तोड़ दी वो तो बड़ा फिर तो इनके विचारों के हो गए लेकिन मैंने कहा अब मैं वादा कर रही हूँ मैं जाऊँगी नहीं इस भी उस पे नहीं जाऊँगी कॉन्फ्रेंस पे लेकिन जब भी जाऊँगी अपनी मर्जी पे जाऊँगी इन्होंने मेरा पासपोर्ट रख लिया मैंने कहा रख लो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो खैर मैं चली गई वापस वापसी इन्होंने बकायदा गाड़ियाँ दी अपनी और बस इसकी मिनिस्ट्री की तो गाड़ी कर हो चुकी है आप उनको सच निकल आया आप तो बचा रहे हैं अपने मिनिस्ट्री की गाड़ी दी और पूरे मतलब मीर वाला पे गाड़ी पे जा रहे हैं और साथ पुलिस वाले जो साथ वहीं से आए थे जो तो इस वो भी साथ है फिर आप गए हैं अमेरिका और आपने बहुत सारे अवार्ड्स कमाए हां फिर मैं गई हाँ। जब इस प्रोग्राम पे फिर मुझे कॉल आई उस बंदे की कॉल आई फिर आई वो जो वजीर थी काल हाँ। आप मुख्तार भाई आप तैयार हो जाएं आप चले फिर मैं भी जा रही हूँ आप भी चलें मैंने कहा आप जाएं मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी सा, हाँ, तो मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ <laughs> सा, मैं जब भी जाऊंगी अकेली जाऊंगी शाहबाश जाए फिर क्या फिर फिर आप गई दोबारा में गई उसी टाइम ग्लेमल मैगजीन वालों ने मुझे अवार्ड अवार्ड दिया दिया वुमन ऑफ द ईयर जी माशा उस पर गई फिर टाइम मैगजीन वालों ने दिया और उसमें मुशरफ साहब का भी नाम था हाँ। और मेरा भी था हाँ। और वो भी और हिलरी क्लिंटन भी आपको मिली वो वो दूसरे दफा मिली दूसरे मगर आप कह रही थी जब भी आप जाती हाँ। थी ज्यादा बोलती नहीं थी थोड़ा बोलती नहीं, नहीं मैं स्टेज पे बहुत कम बोलती थी अच्छा बस <laughs> दो तीन बातें करके मुझे हाँ। यह होता था मैं नीचे कैसे उतरूंगी भागूंगी कैसे अच्छा अब शायद थी तो हाँ इतना हिलरी क्लिंटन अपनी स्पीच दे के जा रही थी हाँ वो जा रही थी क्योंकि उसकी पहले थी मेरी बाद में थी स्पेशल गेस्ट में थी ना वहाँ पर जैसे होता है तो वो जा रही थी तो पीछे से अनाउंसमेंट हुआ ना जैसे अनाउंस किया ना वो सब ने फिर ताली बजाई सब उठ खड़े हुए जैसे मैं आ रही थी ना, ना तो वो मैं पांच मिनट ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट में खड़ी मिनट जैसे मैं बोला वो फिर जाती हुई वही रुक गई मतलब वो दूसरे रास्ते से जा रही थी ना, ना आई भी उसी रास्ते से ना, ना, वही रुक गई तो जैसे ही मैंने खत्म की मेरी जल्दी पांच मिनट की बल थी मतलब मैं तीन मिनट बोला होगा और तीन मिनट वो तकरीबन पांच छह सौ बंदा था खड़े रहे बंदे बंदे सारे खड़े रहे बैठे नहीं एक और तो दुनिया और दुनिया खेर आपकी छोटी सी वो अलीपुर की दुनिया और ये अलीपुर की नहीं जतोई की जतोई की जतोई की जतोई की जतोई की और कहा? मीर वाला वाशिंग्टन... की जतोई का मुझे नहीं पता हाल ही तक मैंने जतोई को नहीं देखा अच्छा शहर में अभी तक मैं नहीं गई और अब वॉशिंगटन डीसी में खड़े और बंद, बंदे बंदियां सब खड़े हुए बातें सुन रहे लेकिन वो जब मैंने खत्म की तो फौरन वापस आई आगे बड़ी जफ्फी डाली और बड़ा अप्रिशिएट किया और उसने उनकी तंजीम वेटल वेसेस जो है ना उनकी है है तंजीम का नाम है। उनकी तरफ से अवार्ड दूसरे पंद्रह दिन के बाद उन्होंने अवार्ड अनाउंस किया हुँ। और उसके बाद जो है ना उन्होंने एक सेवन प्ले उनकी तंजीम ने बनाया हाँ, हुँ। हुँ। वो मैंने देखा पूरी दुनिया में चला है उसके बारे में हाँ वो भी उनकी तंजीम ने बनाया और बड़े अच्छे तरीके से दो मरतबा मुलाकात हुई है बड़ी मतलब व्हाइट हाउस गई व्हाइट व्हाइट हाउस हाउस भी गई।, गई कई मरतबा गई अच्छा। लेकिन पूरा एक एक जगह मुझे याद है कौन को कहाँ बैठता है कौन कहाँ बैठता है कौन कहाँ बैठता है लेकिन एक अच्छी बात यूएन भी गई थी यूएन हाँ। में गई यूएन hmm. में गई और जो इनकी ये होती है मार्केट जिसको वो एक साल में एक मरतबा ओपन करते हैं एक मरतबा बंद करते हाँ। हैं सुबह के टाइम शोकत अजीज साहब ने बंद किया शाम किस टाइम मैंने उसने खोला दे, मैंने रात शाम के टाइम बंद किया वो भी वो अच्छा भी हाँ, वो भी। वो तो बहुत बड़ी चीज होती, होती है बड़ी चीज है और एक मुझे इसकी कौन सा जहाँ पर वो खेल जुआ का ज्यादा खेलते हैं उस हाँ उस शहर लास वेगस लास वेगस उसकी मुझे चाबी मिली <laughs> एक साल के लिए इस किसी को चाबी देते ना नाजी तौर पर जो इस्तेमाल ही नहीं इस्तेमाल <laughs> <नहीं। laughs> फिर नहीं नहीं। अच्छा तो इस स्कूल फिर मैंने तकरीबन चार लड़कियों से शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता फिर ज्यादा लोगों ने, ने पैसे दिए निकले एक कालाम लिखा अच्छा तो उसी से ज्यादा इमदाद हुई जिससे मैंने हाँ न्यूयॉर्क टाइम जिससे मैंने कमरे भी बढ़ाए स्कूल के और प्लाट भी कुछ हाँ। बढ़ाया और इस तरह से ऐसा ऐसा बढ़ाते बढ़ाते पहले क्योंकि दरख्त के नीचे फिर दो कमरे फिर उसके बाद जो है ना तीन फिर ऐसे अब जो मैंने गवर्नमेंट को पिछले से पिछले साल डोनेट किया है वो स्कूल होगा ना ठीक सही, सही, सही चला रहे हैं अभी हाँ। थोड़ा सा है उनको खबर हाँ। ठीक है लेकिन वो मजा नहीं है वो बात नहीं है ना क्योंकि उसमें पिक एंड ड्राप ऐसा ऐसा हम लोगों ने पिक एंड की और जो चीज मैं उधर देख के आती थी अमेरिका में मतलब जैसे फर्नीचर है कोई ऐसी चीज है मतलब वो मैं फिर आके यहाँ पर कोशिश करती थी मैं वैसा सेटअप बनाऊ जैसे कहीं देखा अभी ऐसे गोल शेप में बच्चे बैठे हुए हैं तो मैंने वैसे गोल शेप बैठाना शुरू किया और बच्चों को बताया टीचर्स को समझाया इस तरह से पे टीचर ट्रेनिंग शुरू करवाई भी ट्रेनिंग बच्चों को समझना कैसे बच्चों को मिजाज कैसे समझते हैं जो बच्चा वीक होता है खेल कूद भी करते हाँ। थे और सालाना वीकली प्रोग्राम भी होते थे सालाना हाँ। भी होते थे इस तरह से बड़े इवेंट होते थे तो बच्चों को मतलब बच्चों की नफसियात को कैसे समझना है अभी भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है उसके ऊपर के नहीं है नहीं जाती तो हूँ टीचर बहुत तमन करती हैं जो वहां की है ना टीचर्स वगैरह जो गवर्नमेंट तो नहीं, नहीं नाम मेरा निकाल दिया उन्होंने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट ने मेरा नाम निकाल दिया अच्छा। उसको मीर वाला स्कूल कर दिया <laughs> मीर मीर वाला वाला स्कूल कर माई। हाँ, नहीं, मीर वाला कर दिया ऑफ माई नहीं उस जगह का सबसे इम्पोर्टेंट बंदा नहीं नहीं कोई बात बंदा नहीं मुझे कोई मसला नहीं है अच्छा लेकिन लिया बड़ी मुश्किल से था मैंने बड़ी कोशिश की मुझे बहुत तंग किया मुजफ्फरगढ़ की गवर्नमेंट ने एजुकेशन ने एजुकेशन वालों ने लेकिन ये तो लाहौर वाले बहुत अच्छे थे बंदा एक कैसर शीत था मैं उसका नाम लेना बहुत तो ज़रूरी समझती हूँ लेकिन जब मैं गई मैंने टाइम नहीं लिया हुआ था जब मैं गई ना तो मेरा सांस ऐसे उखड़ा हुआ क्योंकि मेरे जो दमे का होता है ना इशू तो यही सर्दियाँ थी दिसंबर का महीना था और बहुत धुंध थी तो मैं गई तकरीबन एक डेढ़ बजे मैं पहुंची और वो ढूंढते ढूंढते फाइल का पता ही नहीं था फाइल किसके पास है जब डोनेट कर चुकी थी और दे चुकी थी लेख के भी दे चुकी थी पूरा स्कूल ये नहीं जो मैंने कोई चीज फर्नीचर कंप्यूटर लैब साइंस लैब लाइब्रेरी सब कुछ डोनेट कर चुकी थी 2011 में उनको निकाला फिर उनको वापस डाल दिया जेल में लेकिन फिर 2011 में नहीं 2005 में निकाला पाँच में निकाला और 2011 में उनको बरी कर दिया 11 में बरी किया और ये क्यों हुआ ये क्योंकि वही की FIR FIR. थी। लेकिन एफ आई आर में भी कुछ थोड़ा बहुत था लेकिन एक जज मानता है दो जज नहीं मानते आ, ये आ, वो जज कौन थे जो नहीं मानते थे वो आ, उनका नाम अब मुझे भूल गया लेकिन जो जिसने माना उसका नाम है नासिर थे वो अच्छे थे मैं कहती हूँ शायद वो बहुत शोर मचाता इस माहौल को शायद समझते थे जब ये हुआ था तो बहुत शोर मचा था शोर मचा बारे था। में हा? तो उसने अपने तकरीबन चालीस सफों का उसने अपना फैसला अलग लिखा और अब उनमें से एक को सजाए मौत एक हुई वो भी चले गए ना अपनी सजा पर करके वो भी अब सब है अच्छा जब आखिरी जब 2019 में फैसला दे रहे थे जज के रिमार्क सुने ना वो क्या कह रहे थे मुझे याद लेकिन अब मैं अब मैं बोलना चाहती हूँ उसकी अब बोली भी थी उसी टाइम भी बोली थी लेकिन वो क्या कहते हैं कहते हैं आप क्या करेंगे क्योंकि पहले सजा मिल चुकी है दोबारा तो नहीं दे सकते हमारे कानून में नहीं है तो भी मैंने कहा था आप इसको 2011 हजार ग्यारह से लेकर दो हजार, ले हजार उन्नीस तक नौ साल ले जाएं। हाँ, आठ साल, हाँ। आठ साल एक कचेरी के चक्कर आपने लगाए चक्कर लगाए मैं ये हाँ। नहीं जो सिर्फ चक्कर चक्कर पे चक्कर 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 पे चकर। और वो भी वो भी मेरा कसूर था मैंने कहा बिल्कुल तो इस वजह से मैंने को मैंने कहा मैंने कहा मैं कुछ कर बैठूंगी आज मुझे बहुत गुस्सा आया खे? वो बड़े डरे हुए थे कहते नहीं बीबी मई यो ऐसा नहीं करना मुझे मई बोलते है मई ऐसा नहीं करना मैं आपको बता रहा हूँ अल्लाह इंसाफ देगा मैं आपके साथ हूँ मैं हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे इस तरह से बड़ा वो जब भी बात करे ना फिर पीछे देखे इसको गुस्सा तो नहीं आया अपील तो नहीं की अपील की पिटिशन में गए दोबारा एक अपील होती है अपील अलग होती है हाँ, okay. पहले 2005 हाँ, में खुद दस नोटिस लिया हाँ, तो ये इतने साल आपको ये सत्रह साल आए, 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 आए। और फिर भी इंसाफ नहीं नहीं फिर भी नहीं और अब बताए मुझे अपनी भी कहानी सुना रही थी अब आपके तीन बच्चे हैं मशाला बच्चे कितनी उम्र है उनकी एक कॉलेज में लड़की है बड़ी चौदह साल है हाँ। कॉलेज चौदह साल मार्च में होगी अच्छा और फर्स्ट ईयर में पढ़ती है ठीक है और छोटी सेवन में पढ़ती है और वो अगस्त में होगी अच्छा तो बारह की अच्छा बारह हाँ।, हाँ। तो जो बेटी है वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती वो मीडिया में नहीं जाना चाहती बनना चाहती है हाँ। बिल्कुल है है? लेकिन स्ट्रॉन्ग है लड़की मेरा इरादा है मैं कहती हूँ बेटी को मैं कहती हूँ कोई फौज फौजी डॉक्टर बने कोई किसी की अपने वतन के लिए कुछ करें लेकिन मर्जी बच्चों की मैं हाँ। वो नहीं जबरदस्ती नहीं थोपूंगी नहीं ये तो आपकी है ना आपने बहुत कुछ देख लिया है मैंने आप इतने आगे निकल गई हैं मैं बहुत सारे है कुछ वो अपने दिल से बनेंगे ना वो अच्छा बनेंगे लेकिन मैं ये दुआ जरूर करती हूँ अल्लाह तला इनको अच्छा इंसान बना दे ये सबसे बेहतर मैं भी ये हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों के बारे में मुझे बहुत मुश्किल है, है।, है। <laughs> तरबियत देना बहुत अल्लाह तला बना देता है लेकिन हाँ। इंसान को दुआ करनी, करनी चाहिए, चाहिए। अच्छा इंसान बना देसान बन जाए तो अच्छा आप भी आप जब आपकी शादी हुई थी लोगों ने बहुत सारी खावत जो आपके साथ थी मैंने ये देखा उन्होंने आप पे बहुत ज्यादा की तनकी की थी तो ये कैसा फील हुआ था आपको ये वो... इस तरह से क्योंकि कहते हैं दूसरी शादी क्योंकि क्योंकि उसकी दूसरी शादी उसकी थी। दूसरी शादी थी हाँ उसकी दूसरी वो भी आम... आपका दिल नहीं था उस शादी में मगर आप वो एक ब्लैक मेलिंग थी वो भी एक इमोशनल ब्लैक मेल मैं देख रही हूँ हर बंदा कहकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ अगर ये नहीं करूँ वो तो सारी जिंदगी यही बेहतर शोर हाँ मगर ये तो पिछले तीन साल से मेरी जान छुट्टी है मगर ये कैसे है हाँ। ये भी एक दिन ऐसे मैं अब जो है ना कई दो तीन मरतबा कर भी चुका था ये भी मैं आपको बता दू हाँ। अच्छा। खा लिया था अल्लाह मगर ऐसे लोग हैं हमारे मैदे वाश करवाते फिरते रहे तो फिर एक दफा वो कर रहे मैंने कहा सबमिट कर एक मिनट वो दीवार के साथ पुलिस वालों की चौकी थी मैंने कहा जरा मैं इनको बुलाती हूँ इनको बता दे खुद किसी कर क्यों रहे हैं फिर कर ले आज कर ले तो बेहतर है चले जाए यहाँ से हाँ, कभी कभी क्या होगा गुस्सा आता है ब्लैक मेल ना चाहिए आज कर ले हाँ। मैं, मैं भी चाहती हूँ कर ले हाँ। मेरी भी जान छूटे आपकी भी जान छूटे। तो मगर आपकी आपकी पसंद थी ना या, या आपने मजबूरी की है? ये मजबूरी थी क्यों पसंद नहीं थी यही

लेकिन वो सबको गालियां निकालती है <laughs> एक गालिया की उतना निकालती है। एक तो ये सारी गुस्सा भी होता है देखिए एक उसाद। नहीं वो पढ़ी हाँ। लिखी है अच्छा पढ़ी लिखी है हाँ। तो, तो फिर आपने कर ली शादी खुश है उसके साथ बस अब तो रहना पड़ता है अब नहीं, आप वो औदात नहीं है कि जब आप रहना पड़ता है तो रहना बस बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ ये भी कुछ एक प्रोबेस्ट करना पड़ता है कहती हैं बहुत ज्यादा बच्चों की वजह से बच्चों की वजह से करना पड़ता है लेकिन बच्चे इजी अ गुड फादर अच्छे बाप बच्चे खुश हैं मगर आप नहीं ये नहीं समझती कि लोग बहुत ज्यादा जज करते हैं ठीक है आप एक करते हैं लेकिन ये थोड़े दिनों के लिए होता है ये हाँ ये भी थोड़े दिनों के लिए होता है लेकिन वही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ठीक हो जाए जब आप आपने एक फैसला करना है ना हाँ, छोड़ दे ये हाँ, सामने बैठा क्या कर कह रहे हाँ, मैंने एक फैसला करना है हाँ. ना मैं मैं नहीं ये नहीं कहूंगी फरिया जी क्या सोचेगी सही बात मेरे बारे बुरा सोचेगी तो नहीं मेरी अपने दिल्ली हाँ, फरिया जी सोचेगी तो सोचने दे मैं चोरी करती रहती उसके साथ चोरी का टाइम गुजारती रहती वो ठीक था बेहतर मैंने निकाह कर लिया ठीक है सही है अच्छा अब ये बताएं चलें यह तो आपकी पर्सनल लाइफ है बच्चे हैं बच्चों से तो खुश हैं आप मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा आपका मैं ये देख रही हूँ मगर आपने मुझे ये भी बताया था आपने काम थोड़ा कम कर दिया फिर अपना काम थोड़ा सा इसलिए कम किया क्योंकि बच्चे बच्चों को मैंने टाइम नहीं दिया बिल्कुल नहीं दिया क्योंकि मैं अपने काम में ज्यादा मसरूफ स्कूल में ना मैंने शोहर और... को टाइम दिया ना मैंने बच्चों को टाइम दिया बस ये था बस पैदा किया और आप थी एक काम काम करने वाली खातून कर जो बनी काम के लिए थी जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हुए स्कूल जाने लगे और मतलब मेरी जो बहनें जिन बहन को मैंने दिए हुए थे आ, बच्चे तो मतलब उनके अपने बच्चे हो गए उसकी शादी की उसके अपने बच्चे हो गए लेकिन जब उनके अपने हो गए तो मेरे बच्चे थोड़ा इग्नोर होना शुरू किया फिर उनके तौर पे वो नफ्सिया जैसे मैं बीच वाली बेटी की बात करूं बहुत सेंसिटिव है और जब भी बात करती थी आके उल्टा मुझे बहन पहले ही बता देती थी इसने ये किया इसने ये किया मैं आके उसको डांटती थी मैं पूछती नहीं थी अंदर की बात क्या है मैं उसको डांटती थी जब मैं उनके साथ रहने लगी ना तब मुझे पता चला मैंने कहा यार ये क्या हुआ मैं पूरी दुनिया के बच्च... पूरी दुनिया में मशहूर हूँ गांव के बच्चों को संभाला हुआ है मगर अपने बच्चे बच्चे मेरे नफस्याती हो रहे हैं हाँ। और ये एक जिम्मेदारी है अल्लाह ताला ने हाँ। मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली हाँ। है दी है हाँ। शुक्र है अल्लाह का लेकिन मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही बात ने कहा यार तेरे ऊपर लखलानत है मुख्तार हर एक चीज का भी टाइम भी होता है लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए ना तो फिर आपको टाइम फिर और मिलेगा आपको मैंने बहुत बड़ा वो किया लेकिन हाँ। मैंने सारा काम जो है ना थोड़ा ऐसे पीछे करते 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 मैंने एक घरेलू और अपने आप को बना दिया कुछ सालों के लिए मगर फिर क्या होगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे उनकी इंशाल्लाह तो, दोबारा से मुझे भी। मेरा काम है, मुझे, आप तो काम करती मुझे नहीं लगता आपने काम नहीं, मुझे भी तो बैठी है ना बाकी कुछ नहीं किया अच्छा वो है बिल्कुल है अच्छा आपने मुझे बात बहुत बड़ी बात मुझे बहुत दिल को लगी थी जिन लोगों ने आपके साथ जी मैं आपको बताती वो उनके बच्चों को उनके बच्चों को, को वो बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं अभी पढ़ते हैं कुछ मैट्रिक करके चले गए कुछ बन भी गए हैं कुछ लड़के पुलिस में भी चले गए लेकिन अच्छी बात है बच्चे सबके साझे होते हैं मैं मैं लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं उनकी जिसने मेरे भाई के साथ रेप किया था उसकी बेटिया आई जो मेरे केस में नामजद था जिसको सजा हुई उसकी भतीजियां थी भाई की बेटियां थी दोनों बहने थी मेरे पास शेल्टर लेने के लिए आई क्यों उनका कुछ इशू था शादी का उनके भी इशू वहाँ तो भी इश्यूज़ बहुत चलते चलते हैं लेकिन आपके पास प्रोटेक्शन है जब ये लड़कियाँ आपके पास आती है शेल्टर होती में होती, होती है, है। क्योंकि गार्ड शार्ड रखे हुए होते है ना लेकिन जगह भी चेंज करते रहते ना अच्छा कभी कहीं कभी कहीं दो तीन जगह है उनको उनको, कैसे करती है अच्छा, उनको जब हाँ। वो आई ना बाकियों को हाँ। लिए तो मेरे लिए ज्यादा कोई इशू नहीं होता लेकिन हाँ। उनके लिए मेरे मेरे लिए इशू था हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने फिर शेल्टर इंचार्ज को और अपने लॉयर को मैंने कहा मेरे भाइयों को मेरे घर वालों को पता ना चले उनकी लड़कियां इधर आई हुई है ओके किसी को वैसे एक राजदारी होती है हमारा एक तरीकेकार है और एक आन है भी कोई हमारे ऑफिस का बंदा जो है ना कोई किसी के साथ इस बच्ची का केस करेगा, चाहे वो काल्टर की क्यों नहीं लेकिन वो खुद करती रहे किसी के साथ तो हमारा कोई कितनी लड़कियां आती हैं आपके पास काफी आती है बहुत ज्यादा हाँ। आती है मैंने शादियां बहुत ज्यादा करवाई शादियां भी करवाई है शादियां करवाई हैं फिर आपस में हम लोग क्या करते थे सारे स्कूल के लोग होते थे और ऑफिस के लोग होते थे फिर जैसे चंदा नहीं इकट्ठा करते आपके पास, मैंने हाँ चंदा इकट्ठा करते मतलब हाँ, डोनेशन इकट्ठी करते थे हाँ, डोनेशन सब के लिए हाँ। भी वो शेल्टर इंचार्ज आते थी बड़े मजे से बोलती थी वो लड़की थी तो वो बड़े मजे से बोलती है कहती है मेरी बेटी की शादी है मुझे कोई दे दो कोई एक एक चीज एक एक बंदा दे दे फिर वो डिमांड रखती थी ये ये दे दे ये दे देखा आपकी इज्जत है गांव में बहुत ज्यादा हैं। जो करने वाले मुख्तल तो नहीं करते वो नहीं करते, मुझे नहीं नहीं। आप नहीं करते। जब रोड बनी थी गई थी गुजर रही थी जिनकी जमीनों में से रोड आई थी ये नहीं सोच रहे जिनकी कि जमीनों में से खंभे आए और पूरे गाँव को बिजली मिली लेकिन वहाँ पर मुझे गालिया मिली लेकिन अब वहाँ पर जमीनों का रेट जो चार लाख रुपए तीन लाख रुपए बिघा था अब वहाँ पर सत्तर अस्सी रुपए मरला सत्तर अस्सी हजार रूपये मरला है तो बढ़ गए पैसे बहुत बढ़ गए हैं ये तो इनको तरह इस तरह इसी तरह तो समझ आएगी ना एजुकेशन आएगी रोड के साथ पूरा वो मगर वो कभी बोलेंगे नहीं, और... नहीं आपको थैंक यू आपने करके दिया नहीं ये, है। ये तो नहीं बोलते लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना मुख्तार लेकिन जो बच्चियाँ पढ़ लिख जाती है ना बहुत इज्जत करती है वही तो मैं कह रही लेकिन वो जब मैं भी जा रही हूँ ना कोई बच्ची स्कूल की जा रही है हमारी बच्ची जा रही है वो कहेंगे हमारी बाजी जा रही है हमारी बाजी जा रही है ये हमारी बाजी है अच्छी बात बात है है इंसान को इसी में खुशी बहुत इतनी इज्जत और किसी की जिंदगी बनाना सबसे बड़ी बात मैं है, एक दफा एक दे... प्रोग्राम में थी पिछले साल में तो हा, हा, एक लड़की जो लड़कियाँ काफी गई हैं पुलिस में तो एक लड़की वहाँ पर आई हुई थी लेकिन मैंने उसे नहीं पहचाना उसका नाम था हम लोग शब्बी शबी बोलते थे ना शबाना था शब्बो बोलते थे शब्बो शब्बो तो उन्होंने तारफ करवाया शबाना राव साहब आई हुई है सब इंस्पेक्टर तो जैसे ही उठ के मतलब छोटी थी मैंने देखा था पढ़ती थी तब मैट्रिक किया हमारे स्कूल से तो तब जब मैं अभी मिली तो वो बच्चे एक बच्ची की माँ बन चुकी थी अच्छा तो आई आते कहती है वो बाजी मुझे मारेगी मैंने कहा क्यों बेटा मैं क्यों मारूंगी आपको मेरा ऐसा नहीं है आप नहीं बाजी कहती आपने नहीं पहचाना मैंने कहा नहीं बेटा मैंने नहीं पहचाना

उस बनाना बनाना है। बनाना, है। बनाना, है। बनाना है। क्यों इनका ख्याल नहीं रखते लोग क्यों कम लोग होते हैं क्योंकि औलाद बहुत कम ख्याल रखती है मैं तो रखती हूँ <laughs> वो, वो रहते हैं हाँ। लेकिन आप और उस गांव में बहुत फर्क के और मैं ये कि गांव में ज्यादा होता होगा होता है कहीं ज्यादा भी होता है बहुत ज्यादा भी होता है वालदे की और ज्यादा इज्जत भी करती है लेकिन कहीं बहुत कम भी करते हैं ये भी सही बिल्कुल घर से भी निकाल देते हैं इतना तक भी होता है डिपेंड तो करता ये है ना, क्या, क्या दूसरा रिलेश्या? जो यतीम बच्चे हैं इनके लिए मैं कहती हूँ कुछ करूँ और मजबूर लोग जो है ना इनके लिए तो मैं अभी कुछ दिनों के बाद शुरू करने वाली हूँ कुछ ये मोटरसाइकिल वगैरह जो होते हैं हाँ, ना इनको दे जो पढ़े लिखे जो काम करने वाले लोग मांगने वाले लोग नहीं मैं समझ रही हूँ

और इस काम को मैं बढ़ाना चाहती हूँ ऐसे काम है ठीक तो इंशाल्लाह करूंगी इनशा हाँ। जिंदगी रही तो जिंदगी जिंदगी तो स्कूल में कुछ ये था क्योंकि मेरे पास था कुछ नहीं कुछ ये था जब थोड़ा सा बीमार भी थी ना इन दिनों में मैं तकरीबन चार साल बीमार भी रही होता है आपको नहीं वो तो दमा कहते दमा दमा तो था वो तो था था लेकिन एक डॉक्टर ने डॉक्टरों ने काफी डॉक्टरों ने कह दिया इसका लिवर भी खत्म हो गया है ट्रांसप्लांट oh, होगा खैर अल्लाह ताला ने वो ठीक सही हो कर दिया। गया वेरी गुड अच्छा भैया बताइए आपने जो रिंग पहनी हुई ये ये और जो आपने ये? कड़ा पहना हुआ है ये सारे ये, ये कहाँ की इसकी क्या कहानी है इसकी कोई कहानी नहीं है ये, ये फिरोजा मतलब किसी ने दोस्त लाई है ईरान से हाँ। तो उसने मुझे दिया है मैंने पहन लिया पहन लिया फैशन ये, है, ये हुआ नहीं, है ये, नहीं, नहीं, फैशन नहीं, अच्छा नहीं। लग रहा है मुझे बस नहीं, है। मैंने समझा, मुल्तान, है। मुल्तान जो है नगे पे आपको देते हैं है, ये ये नहीं, 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 इसलिए नहीं है ऐसे नहीं ये कोई दोस्त को मैंने कहा था मैंने कहा जैसे फिरोजा फिरोजा कौन सा होता है तो वो मुझे जा रही थी वहाँ से ले तो ये जो है ना ये मैंने किसी को देखा था पहना हुआ मुझे अच्छी लगी अच्छा तो मैंने फिर बनवा ली वेरी गुड अच्छी बात है ये और मैं बता दूं अभी मुख्तारा इतनी सिंपल है मैंने मैं इंसिस्ट कर रही थी कि ये जहाज में बैठ के आए और जहाज में जाए और लंबा सफर है मगर इन्होंने मुझे याद दिलाया कि इतनी धुंध होती है कि जहाज जाएगा नहीं और वही हुआ उनकी ऑब्वियसली फ्लाइट जो है कैंसिल हुई नहीं वो भी कैंसिल होगी लेकिन हाँ। आगे की जो कह रहे थे वो भी कैंसिल हो जाएगी बहुत मुझे आपको पता है ना फिर आपको ये बातें पता है जो कि हम लोगों को नहीं पता है यहाँ बैठे हुए करा आंदा कभी मुझे बुलाना है तो मुझे गर्मियों में बुलाना सर्दियों में ना बुलाना <laughs> हाँ ठीक है मैं कैसे करूँगी बट वो होता है ना जब आपका बुलावा आता है तो उसी वक्त ही आता है और अच्छा है कि आप आई और आप कुछ है ऐसी सवाल जो हम भूल गए क्या ना या कुछ हाँ एक सवाल जी बहुत ज़रा ज़रूरी है और वो बेसिकली इसलिए क्योंकि आप एक ख़ातून है और आप ने जैसे कहा एक अनपढ़ खा मैं सिर्फ मेरे लिए इनकी कहानी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब किसी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती होती है कत्ल हो जाता है रेप हो जाता है बहुत सारी इंसान उठता है इंसान रिवेंज लेता है इंसान पागल हो जाता है इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है जो कि नॉर्मल चीज़ें हैं कि होती हैं अक्सर लोगों के साथ लेकिन मुख्तारा की सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो इन्होंने इंसाफ ढूंढा सबसे पहले जो बड़ी हिम्मत की काम थी जो सब कुछ सारी दुनिया खिलाफ फैमिली से ले आपका पूरा गांव पूरा मुल्क पूरी गवर्नमेंट समझे ख़िलाफ़ लेकिन उसके बावजूद फिर उसके बाद जो इन्होंने महसूस किया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे गांव में एजुकेशन नहीं है इसलिए ये सब कुछ हुआ है मैं एक एक स्कूल स्कूल कायम करूं जो जैसे भी आया नहीं एक स्कूल नहीं हाँ। मैंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ मांगा जब भी हाँ। गवर्नर खालिद मकबूल साहब थे उस टाइम हाँ। तो वो आए हाँ। तो उन्होंने पूछा जी बीबी हाँ। आपको हाँ। हाँ। क्या जरूरत है मैंने कहा यहाँ लाइट नहीं है हाँ। यहाँ रोड नहीं है तो ये करवा दे तो वो लाइट 2005 में आई बड़ी हाँ, पीछे लगी रही हाँ, भागती रही पीछे छोड़ा नहीं मगर आप यही तो मैं कह रही तो आपने दो मरतबा शहर जतोई में हाँ, कॉलेज दिया गया लेकिन वडेरों ने बनने नहीं दिया अच्छा कॉलेज नहीं है कॉलेज अभी भी नहीं है नहीं लड़ रही है उसके लिए तो दो मरतबा एक दफा सलमान तशीर साहब अल्लाह हाँ। उनको जनत जगह दे हाँ। वो आए थे हाँ। उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया मेरे साथ मैं काम नहीं किया हाँ। बहुत किया वो अपनी बेटी को ले आए शहर शेरबानो और बीवी उसकी हाँ। आमना। और मैं भी उनके घर गई हुई हूँ बड़े अच्छे लोग बहुत बहुत अच्छे लोग हैं उनका बड़ा बेटा अभी भी जो इधर कराची में होते मेरे में होते होते मैं ये कह रही थी की आपने कहते हैं ना रिवेंज लोग लेते हैं कि जी जाओ वट्टा सट्टा मार दो उनको जाके उनकी लड़कियां उठा लो ये करो वो नहीं, ये कर... बदला नहीं होता देखिये उनकी जहालियत होती देखे, है देखे हाँ। फिर उनमें और मुझ में फर्क क्या है।, है मैं आपको मैं ये... उस औरत को टेंशन दे रही हूँ हाँ। देखिए उस औरत को जिस देखिए उनका कसूर क्या है मुझे ये बता तो मैं आपको यही पूछना चाह रही हूँ मेरे है? लिए उनकी बच्चियाँ उनकी बहनें उनकी बीवी उनके सब जो भी रिश्ते हैं वो मेरे लिए वैसे ही जैसे बाकी है एग्जैक्टली उनके बच्चे मेरे लिए वैसे हैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे वैसे बहुत सारी बनी बना रहे थे तो वो कहते हैं वो मस्तोगी के मस्तोगी हो के बच्चों को अलग कर दे मैंने कहा वो बच्चे क्या सोचेंगे मैं अपने हाथ से उनको अवार्ड देती हूँ जो अपने मेरिट पे आते हैं मैं अपने हाथ से उनकी हौसला अफजाई करती हूँ बेटा में ये ज्यादा तो मेहनत आप बहुत लेकिन इस... मैं उनकी निशानदेही कैसे आपको उनको क्या कहूँ आप लोगों ने क्या किया है नहीं नहीं वो तो एजुकेशन से ही चीजें तो लेकिन उन्होंने कहा लेकिन अब निशान दे टीचर एक को कहा भी कहाँ वो हैं इनको सिर्फ इशारा कर देना ये है लेकिन नाम नहीं बताना उनको बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए अच्छा अभी भी अभी भी नहीं बच्चे भी वो ना कहे बच्चे कभी शर्मा भी जाते हैं क्योंकि जिनको पता है जिन बच्चों को तो वो काफी कोशिश करते हैं पता चल जाता है बेचारे शर्मशार होते हैं तो मैं ऐसे इग्नोर करती हूँ जैसे मैंने मुझे कुछ पता कुछ नहीं, नहीं पता कुछ नहीं पता ताकि उनके मैं जानती नहीं ये मस्त मस्तो ये कौन है ये पचार है ये गजलानी है ये खरोस है कौन है इस तरह से बेटा कैसी हो ठीक हो कंफ्यूज होने लग जाता हाँ। है मैं उसे, मुझे पता होता है किसका बच्चा है क्योंकि गांव के है तो मैं कहती बेटा कैसी हो ठीक हो बच्ची है तो कुछ थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है मुझसे थोड़ा सा खौफ खा रही है क्या हुआ कैसी हो ठीक हो तो हाँ बाजी ठीक है बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं कितने चले तो मैं यही तो कह रही हूँ कि जो रास्ता आपने अख्तियार किया वो बहुत बड़ा था लेकिन ये बदला नहीं होता अभी औरत आ, के साथ वैसे ही करें तो मुझे और, सुकून आएगा नहीं तो नहीं किसी आएगा किसी के साथ नहीं। नहीं। बच्चों को पढ़ाना मैं कहती हूँ मेरे मेरा यही सुकून है बच्चों को देना उनके बच्चे उनको सीधा समझाएंगे एग्जैक्टली यही तो बात है ये जो बहुत समझदारी की बात और बहुत बड़ी बात है ये छोटी बात नहीं है वही बच्चे सबक समझाएंगे आप जब हीरो बनी है ना इसीलिए बनी है क्योंकि आपने एक नेगेटिव चीज को इतना पॉजिटिव कर, कर दिया इतना पॉजिटिव कर दिया एक सवाल दिया बच्चों को मैंने कहा आप लोग मेरे हवाले से लिखें स्कूल में जो 9th टेंथ और 8 अच्छा। की बच्चियां हैं फाइव तक हां वो मेरी मतलब मैं जो कुछ लिखना चाहती है अच्छा मेरे खिलाफ भी लिख सकती हैं मेरे हक में भी लिख सकती हैं जो जि, जो दिल जिसका दिल करे और मैं कोई पंद्रह दिन के बाद गई मैंने कहा क्या क्या लिखा है सब ने ऐसे उन बच्चों ने भी लिखा हुआ था क्या लिखा था मतलब अच्छा अच्छे अच्छे अल्फाज में लिखा हुआ था तो मैंने उनको बुला के पूछा ये आपको सारा कुछ किसी ने बताया तो कहती है, हम लोगों ने अपनी माओ से पूछा अरे वाह क्या हुआ कैसे हुआ उन्होंने बताया मैंने कहा अच्छा ये पॉजिटिव तो अभी तक शायद मेरे प्रिंसिपल के पास महफूज होंगे वो चीज़ें तो लड़कियों के लिए क्या मैसेज लड़कियों को मैं यही कहूँगी क्योंकि पहले तो कोशिश करें ये जो चीज़ें चल रही हैं तो कभी भी आप हम लोग क्यों जाएं किसी के भाई के, के लिए माफ़ी मांगने हम लोग क्यों जाएं बाप के लिए माफ़ी मांगने लेकिन मैं कहती हूँ कोई और मुख्तारा मई ना बने लेकिन आप अल्लाह ना करे कोई ऐसा कहीं भी कहीं आस पास कहीं दोस्त बाप के साथ ऐसा हो जाता है तो उसके साथ ऐसे खड़े हो जाए जैसे वाक़ वो जो है ना मजलूम है और मुजरिम के खिलाफ आवाज उठाए गलत है जो गलत, है। गलत, को, गलत, गलत को गलत को गलत जब तक हम लोग मिलजुल ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में हम लोग क्यों ऐसे एक बंदा कुछ नहीं कर सकता आपकी किताब किसने लिखी थी मेरी किताब पेरिस यूरोप की एक थी औरत बुढ़ी सी मैरी उसने लिखी थी पैसे दिए थे हाँ पैसे देते मुझे दिये काफी दिये। सारी डोनेशन हाँ। थी हाँ वहाँ से उसके बाद उसके बाद काफी सारी मुझे देते अभी नहीं मिलती नहीं अभी नहीं मिलती अभी पाँच छह साल से नहीं है क्यों वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगा होगा वो वो एक वन टाइम आया फिर हाँ, फिर उसके बाद, वो फिर उसके बाद बाद हो जब अच्छा बंद होती है ना हाँ, फिर जो होते मोह नकवी ने भी, भी बनाई थी नकवी उसमें तो कुछ नहीं लेकिन वो बेचारा वैसे काम करता रहा स्कूल के लिए डोनर वगैरह ढूंढता था कुछ थोड़ा बहुत करता था वैसे अच्छे मैं, आप बहुत स्ट्रॉग हैं माशाल्लाह। थैंक यू और आपके आपका आपकी सोच भी बहुत अच्छी है आप कम नहीं है मैंने आपका भी सारा सुना है <laughs> <में थे। laughs> नहीं, बगर, हाँ मगर मगर हाँ। ये है ना कि इम्पोर्टेंट होता है जिंदगी में इंसान को आ, ये जो जहाँ से आप हम तो खैर प्रिवलेज हैं मैं तो ये हमेशा कहती हूँ हमें स्कूल में भेजा गया है कॉलेज में भेजा गया है हमें आज़ादी दी गई है लेकिन जिस जगह से आप निकल के आई हैं और जिस तरह आपने हिम्मत की अपने आप को पढ़ाई सिखाई चार बच्चे आई मीन इट्स सच अग स्टोरी आपको खुद नहीं पता अल्लाह ने आपको और इज्जत दे और जो भी मैं आपके लिए कभी भी कर सकूं मैं तो करूंगी हमेशा मैंने आपको पहले भी कहा था बहुत आपके बहुत लिए कोविड का बहुत बुरा करते रहते हैं हम लोग बात फोन हाँ, पे कभी हाँ, कभी, है। कभी। है। लेकिन यह है जितना भी हाँ, इसका कोरोना का बड़ा हुआ था और आपके बच्चों को भी आया नुकसान मेरी तंजीम का नुकसान बड़ा हुआ है <laughs> सबके सब, के ये दो, वे, सब दो, सारे वे वैसे तो फाउंडेशन पूरे, पूरे हाँ, 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 हाँ। चले गए हाँ, क्या मतलब वो आपने बच्ची जो बन गई है ना पुलिस वाली और वो अवार्ड है इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं होता किसी की जिंदगी बन जाए किसी की जिंदगी नहीं उसकी पुश्तों की जिंदगी ट इज़ मैं कहती हूँ इसीलिए वो कहते हैं एक लड़की लड़कियों को एजुकेट करो एक बच्ची को पढ़ाना पूरे खा पूरे विलेज को, को पढ़ाना सो दिस इज द मैसेज टुडे एंड मैसेज फ्राम अ वेरी इंपॉर्टेंट वुमन एंड स्ट्रेंथ कमिंग फ्राम स्ट्रेंथ इतनी तो मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर हूँ इस चीज से और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा जो आप लोग जज करते हैं हर एक की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं ना करें बिकॉज जो जितना हम जितना हर एक की कहानी है जैसे उन्होंने खुद बताई है अपनी ज़ानी कि मैं इतना काम में बिज़ी हो गई थी कि मैं बच्चों को इग्नोर करती वो भी एक जिम्मेदारी है सो so, बहुत जगल करना पड़ता है ख़ातन को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और पीछे बैठ के किसी ड्राॅइंग रूम में बैठ के आप कहानियाँ करते हैं और जज करते हैं वो नहीं करनी चाहिए बातें ज़रूर करनी चाहिए ठीक है ना में मेरा भी एक नारा है जुल्म को इल्म, से ख़त्म करो जुल्म को इल्म, से, ख़त्म करो ये तो बहुत अच्छा नारा है बिल्कुल सही नारा है वो कहते हैं ना कलम जा। कलम ज्यादा माइटी होता है, है। तलवार से तलवार से बंदूक से 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 exactly. सब गोली एग्जैक्टली सबसे और इनशाला हम लड़े ताकि हमारे ये फ्यूडल सिस्टम्स जो हैं खत्म हो या वो अच्छे लोग आए और अपने पाकिस्तान के लिए अच्छा है हमारे पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए अच्छा है इनशाला मुख्तारा आप कभी कभी डिस्करेज होती है मैं तो काफी, तो काफी चीजें चेंज होती नहीं हुई हैं भी बढ़ गया है बच्चों का रेप भी बढ़ गया अच्छा, है। मैं एक बात आपको बताऊ हाँ। ये चीजें होती थी बस से पर्दा होती थी चुप रहते चुप रहते थे ये चीजें बहराने लगी हैं लोग बोलने लगी औरतें बोलने लगी हैं औरतें बोलती हैं अपना हक मांगती हैं अपना इंसाफ मांगती है जैसे कल हम डिस्कस करें ईरान में ईरान में और फिर अफगानिस्तान में बस कॉलेजेस बंद कर दी कॉलेजेस बंद हाँ। कर बोल हाँ। बोल रही है। हाँ। बोल रही हैं हैं और मर्द बाहर निकल है। मर्द बाहर यूनिवर्सिटी से क्या 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 हम इनका सपोर्ट मर्द अच्छी मर्द हमारे साथ भी है एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता सही कह रही हूं मैं कहती हूं अल्लाह की जात उसके बाद पूरे दुनिया के लोग मैं कहती हूं लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूंगी जो मैं कहती हूं मेरे साथ पूरी दुनिया थी लेकिन जो अकेली औरत जा के लड़ती है ना मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ सलाम पेश करती हैं है। बहुत मुश्किल है आप अकेली तो थी कौन था आपके पास लेकिन बाद में मेरे साथ पूरी दुनिया आए ना आ गए लेकिन आ गए लेकिन जिनके साथ बिल्कुल कोई नहीं होता हाँ। कोई इतना मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे हैं बगैर वही मैं कहना चाह रही अकेले है। आप लोग नहीं हैं बहुत सारे फाउंडेशन हैं और एन जी ओज भी हैं और है, जिनको जिन हाँ, है। मुझे भी फोन कर, मुझे भी मैसेजेस करते हैं लोग okay. कहीं कभी इंस्टाग्राम पे कभी कहीं और यू नो मुझे भी काम करना है मुझे भी ये करना है मुझे भी आगे बढ़ना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को इंकरेज कर हम सबको हेल्प नहीं कर सकते लेकिन जहाँ तक हम कर सकते हैं करें ठीक है और मजबूत रहें मजबूत रहे ओके थैंक यू सो मच मुख्तारा आई थिंक आपकी का थोड़ा टाइम आ रहा है जाने का थैंक यू सो मच आप आई और आपने आएं। साथ आप बुलाया मैं तो बुलाती रहूंगी आपको इंशाल्लाह थोड़े <laughs> से के बाद हम मिलते रहेंगे और एक और आपकी किताब भी ऑर्डर की है मैंने अब अमेजोन से तो इंशाल्लाह वो भी आ जाए जल्दी से तो मैं पूरी पढ़ूंगी और मैं बताऊंगी आपको जरूर बताऊंगी कि उसने आप कितनी लैंग्वेजेस में बुक छपी थी who buys thais, thais languages thais, or Fra maybe. france my subsells other actually number two subsells so you can imagine okay this is frialta signing off from the fy podcast we will be back very shortly with another podcast i hope you enjoyed it if you have any questions please don't forget to like subscribe and and catch us next time thank you bye bye have a good day